hello everyone. so now we are coming on to our consolidation revision lecture number two. we had actually seen revision lecture number one, which was a few days ago. and thank you very much for your wonderful comments and response.

री कैप ऑफ दैट लेक्चर एंड देनिकली जम्प ऑन टू दबसिक्वेंट पॉइंट जिसमें हम क्या करेंगे सिंगल सब्सिडरी कंसॉलिडेशन के जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं उसको केसेस में डिवाइड करेंगे एंड आउट ऑफ दोप एंड बाई प्रैक्टिकली सॉल्विंग सम क्वेश्चन हाउ दिस इज एक्चुअली डन चलिए तो एग्जाम हो सकती है आपके सर पे हो इसलिए कोई समय वेस्ट नहीं करेंगे लेट इज डायरेक्टली कम टू द पॉइंट जस्ट टू रिपीट वन थिंग ये जो लेक्चर देख रहे हैं ये कौन देख सकते हैं एनीबडी इज़ ए अपियरिंग फॉर द एग्जाम्स नाउ बी एनीबडी हु इज डन कंसॉलिडेशन एंड इज नाउ रिवाइजिंग कंसॉलिडेशन उसको पहले ये लेक्चर्स देखना चाहिए फिर अपना कंसॉलिडेशन रिवाइज करना चाहिए एंड सी यू शुड कीप दिस लेक्चर एक्चुअली हैंडी विथ यू सो दैट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू वॉन्ट टू काइंड ऑफ रिव्यू द लेक्चर एंड जिस गेट एन quick understanding of any concept which you would have missed in your classes, batches, wherever you have done it, uh, you can cover those things. Uh, just to repeat once again, uh, in this particular lecture, what i'm going to cover is something, uh, the way i'm going to cover is something that it will be relevant for all the students. across india, mein, koi bhi student be faculty, he will still be able to understand these particular lectures. And I'm particularly thankful to students of North, there were a lot of comments actually which came down from places like Delhi, Jaipur, yes, even West, lots of uh, places from Rajasthan. Um, not to mention, obviously, in the, we are here, most of these students otherwise would have done the classes here. But still, uh, very positive and motivating reviews given by you guys. Thank you very much. Now, let us uh, come and let's start with our discussion. क्विक रिकैप करते हैं कंसोलिडेशन के रिविजन का जो हमने किया था हेलो एवरी चलिए वेलकम यू टू दिस कंसोलिडेशन रिविजन लेक्चर नंबर टू पहला रिविजन लेक्चर हमने कंसोलिडेशन का लिया था पुट ऑन द ऑलमोस्ट आर्स रिविजन जिसमें हमने पूरे कंसोलिडेशन में सिंगल सब्सिडरी के साथ किस तरह से एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं कंसोलिडेशन के uh, उसका एक क्विक रिकॉप किया था कंसेप्चुअली हमने उसको डिस्कस किया था और आज उसी लेक्चर के कंटिन्यूएशन में वील कीप दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड विथ वॉट वी विल डू इज सिंगल सब्सिडरी में जितने प्रकार के आपके कंसॉलिडेशन एडजस्टमेंट्स होते हैं वी विल ट्राई टू कवर ऑल दोज एडजस्टमेंट्स एंड आई गिव यू बेसिक फंडामेंटल जिससे आप लॉजिकली समझ पाओगे कि कंसॉलिडेशन के सारे एडजस्टमेंट्स कैसे होते ऑब्वियसली इन केस इफ एनी मिस द फर्स्ट लेक्चर एंड आर स्टिल सीइंग द सेकेंड लेक्चर नो वरी वट आई डू इज हम सबसे पहले क्विक रिके लेंगे हमारे लेक्चर नंबर वन का

It is really inspiring actually to read all those kind of messages. Particular thanks to people from north. Lot of messages coming down from uh, Delhi, Jaipur, uh, places in north, other cities like Batinda, Ludhiana, Rajasthan, mm -hmm. Madhya Pradesh, uh, Gujarat. To, otherwise, humare, what's our attenders are present, so those students always keep their blessings on. But yes, very very motivating responses from all you guys. Thank you very much. That's our fuel, that's our inspiration. चलिए दोस्तों तो अब क्विकली <coughs> हम लोग एक रिकैप करते हैं हमारे पहले लेक्चर का जो हमने डिस्कस किया था एव गॉट दिस पर्टिकुलर स्लाइड विथ मी जिसके बेसिस पे हमने फर्स्ट लेक्चर का एक क्विक डिस्कशन किया था uh, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूँ ये लेक्चर कौन लोग देख सकते हैं वन स्टूडेंट्स एग्जाम्स इन फ्रंट एंड क्विकली रिवाइज कंसॉलिडेशन एडजस्टमेंट्स दे कैन सी दिस सेकेंड स्टूडेंट्स जो लोग एक बार कंसोलिडेशन पढ़ चुके हैं और अब घर पे उसकी तैयारी शुरू कर रहे uh, uh, be हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सेल्फ स्टडी दे शुड फर्स्ट सी दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड देन दे कैन स्टार्ट रिवाइजिंग थिंग्स दिस विल हेल्प देम टू क्विकली रिकेबल टू लेट वॉट एवर थिंग हैडर डिस्कस्ड एंड थर्ड दिस लेक्चर वुड भी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स कंसॉलिडेशन बट दे फील की कहीं पर कोई पर्टिकुलर चीज क्यों करते हैं हमें नहीं पता क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे शायद हमें नहीं पता या हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर नहीं हुए तो देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे गेट टू गेट सम आइडिया इन टर्म्स ऑफ दीज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने जो पहला लेक्चर शेयर किया था उसमें आई गॉट लॉट ऑफ फीडबैक स्पेसिफिकली लॉट ऑफ स्टूडेंट दैट सर पिछले लेक्चर से हमको स्टैचूटरी रिजर्व फिक्टिशियस असेट्स इन सबके एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं वो पहली बार पता पढ़ा तो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट सो इनफैक्ट आई विल रिकमेंड की इस तरह के जो भी आपके कमेंट्स हैं इफ़ यू कैन एक्चुअली पुट इट ऑन द यूट्यूब वीडियो इट सेल्फ इन द कमेंट्स पोर्शन और शेयर मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर वेल बी रियली हेल्पफुल सो दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स आई कैन अकॉर्डिंगली फोकस ऑन दोज पर्टिकुलर एरियाज सो दैट वज़ वन पीस प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने uh, कुछ रिक्वेस्ट भी की कि सर सेकेंड लेक्चर में हम चाहेंगे प्रिफरेंट शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कशन किया जाए प्रपोज डिविडेंड के बारे में आप प्लीज़ क्लैरिफाई करें And I was very happy to actually you know get those messages because that helps us to kind of find in fact concentrate more on a uh, few topics uh, where you know there is more need of the students. So keep uh, sharing those kind of comments and you can always put in those whatsapp messages. I had shared my number in the previous lecture. I am sharing that once again with you guys. and this is nine eight two six zero two three five three four. दिस इज़ अ नंबर विच यूल यूज एक्चुअली टू पुट मी अ व्हाट्सअप मैसेज विद रिस्पेक्ट टू योर ए कमेंट्स भी आप अपनी ई मेल आई डी दे सकते हैं आज मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा उसके पी डी एफ फाइल्स आपके साथ उस ई मेल पर शेयर कर दिए जाएंगे और इन जनरल इन केस इफ यू मिस द नंबर आप यूट्यूब पर आपके कमेंट डाल दीजिए वील रीड इट आउट फ्राम दैरिट सर्स चलिए दोस्तों शुरुआत करते हो अपन एक क्विक रिकैप की रिविजन लेक्चर नंबर वन सबसे पहले हमने क्या देखा था लेक्चर नंबर वन में तो इफ वी रिमेंबर दो फंडामेंटल्स व्हाट वी डिस्कस इन लेक्चर नंबर वन हमने देखा था कंसोलिडेशन जब हम करते हैं तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव कंसोलिडेशन बैलेंस शीट का होता है कि हम सब्सिडरी की सारी असेट्स को 100 परसेंट कंसॉलिडेट करते तो वॉट वी डू इज वी डू अंड्रेड परसेंट कंसॉलिडेशन ऑफ ऑल द असेट्स ऑफ द सब्सिडरी चलिए ये हमने एक छोटा सा अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करते हुए कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था सब्सिडरी जिसको हमने एस लिमिटेड कहा था सब्सिडरी की सारी की सारी असेट्स एड होती हैं, उसकी सारी की सारी लाइबिलिटीज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एड होती है बचता है कैपिटल कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल प्लस रिजर्व केस में हमने देखा था कि हम इसमें कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस असेट्स करेंगे कैपिटल रिजर्व फिक्टिशियस सेट्स में हमने देखा कि जो माइनॉरिटी का शेयर होता है दैट इज ट्रांसफर टू माइनॉरिटी मेन मुद्दा होता है जो होल्डिंग का शेयर है होल्डिंग के शेयर में हम ये देखते हैं कि उसकी कितनी कैपिटल प्लस रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एग्जिस्ट करती थी और जो डेट ऑफ एक्विजिशन की कैपिटल और रिजर्व है उसे हम हमारे इन्वेस्टमेंट से माइनस करके रिड्यूस इट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी डिफरेंस को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हुए गुडविल या कैपिटल रिजर्व शो कर देते थे लेकिन होल्डिंग का जो सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में शेयर होता था उसे हम रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड कर देते दैट टू टू बी एडेड सरप्लस ऑफ होल्डिंग कंपनी तो बेसिकली हमने कंक्लूड किया था असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल जिसे हमने कहा था असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल और असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व असेट पूरे के पूरे सब्सिडरी के होल्डिंग में आएंगे लाइबिलिटीज पूरी की पूरी सब्सिडरी की पूरी की पूरी लाइबिलिटीज होल्डिंग की बैलेंस शीट में एड होगी कैपिटल प्लस रिजर्व्स में अगर होल्डिंग का शेयर से फॉर एग्जाम्पल एटी परसेंट है तो माइनॉरिटी का बीस परसेंट माइनॉरिटी का ट्वेंटी परसेंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखेगा और होल्डिंग का 80 परसेंट जो होल्डिंग ने डेट ऑफ एक्विजिशन पे नेट एसेट्स में अपना शेयर लिया है वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद के जो सब्सिडरी के प्रॉफिट्स हैं जिसमें होल्डिंग का शेयर है उसे होल्डिंग अपने कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में एड करेगा राइट right? इस तरह से हम क्या करेंगे दिस इज द वे वी विल डू आर कंसोलिडेशन तो दिस इज समथिंग विच वी सॉ फिर उसके बेसिस पे अपन ने देखा था कि किसी भी हमारे होल्डिंग के क्वेश्चन में व्हाट वी वुड डू इज वी विल फाइंड दैट देर आर बेसिकली थ्री स्टेप्स विच वील ऑलवेज फॉलो पहला स्टेप हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का देखा था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमने देखा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से हम क्या सकते हैं सब्सिडरी में हमारा जो सब्सिडरी की इक्विटी में जो हमारा शेयर है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडरी की इक्विटी मतलब सब्सिडरी का इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंशियर कैपिटल एंड रिजर्वजैन सप्लस अगर सब्सिडरी के नेगेटिव रिजर्व तो वो सब्सिडरी की इक्विटी को कम करेगा पॉजिटिव है बढ़ाएगा कैपिटल प्रिफरेंशियर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्वज एंड सप्लस इन तीनों में जो होल्डिंग का शेयर है और ये कब देखा जाएगा जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया गया है ये हमने सब्सिडरी से कमाया है इसके बदले में कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो है जो पैसा हमने खर्च किया है इन दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्या माना जाएगा दैट इज समथिंग विच विल बी ट्रीटेड एज गुडविल और कैपिटल रिजर्व माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिस दिन हम बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बना रहे हैं उस दिन सब्सिडरी की नेट एसेट्स बोल लीजिए या कैपिटल प्लस रिजर्व बोल लीजिए उस दिन सब्सिडरी के कैपिटल प्लस रिजर्वजेंट सरप्लस में जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है शेयर है उसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखाएंगे यानी सीओसी में हम नेट एसेट्स यानी इक्विटी कब की देखेंगे सब्सिडरी की डेट ऑफ एक्विजिशन की पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे अभी तक का जो टोटल माइनॉरिटी का आज की डेट में बैलेंस शीट की डेट में जो टोटल कैपिटल प्लस रिजर्वजन सरप्लस में शेयर है उसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखाया जाएगा और कंसोलिडेटेड रिजर्व सप्लस में हमने देखा था कि होल्डिंग के खुद के प्रॉफिट्स तो आएंगे लेकिन सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में जो उसका हिस्सा है उसे हम ऐड करेंगे सब्सिडरी के कौन से प्रॉफिट तो बहुत सिंपल सी बात है आज मैंने सपोज सब्सिडरी के 100 परसेंट शेयर खरीदे उसे 31 मार्च 2017 को सब्सिडरी के 100 प्रतिशत शेयर मैंने खरीद लिया तो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड पे जो सब्सिडरी के रिजर्व हैं प्रॉफिट्स हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमलेटेड जो सब्सिडरी की थर्टी फर्स्ट मार्च सेवनटीन की बैलेंस शीट में आ रहे क्या वो प्रॉफिट मैंने कमाए हैं क्या नहीं वो मैंने खरीदे हैं क्योंकि मैंने आज उसके पैसे दिए हैं और उसके बदले में मुझे सब्सिडी के हंड्रेड परसेंट शेयर्स मिले अब ऐसी बात है सब्सिडी के पास प्रॉफिट ज्यादा रहे होंगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट महंगा पड़ा होगा मुझे ज्यादा पैसे देना पड़े होंगे क्योंकि कंपनी की नेटवर्क ज्यादा होगी इसका मतलब कि वो प्रॉफिट मैंने खरीदे इसलिए इकतीस मार्च सत्रह को अगर मैं एक्विजिशन करता हूँ सब्सिडी के शेयर्स में तो इकतीस मार्च सत्रह तक के प्रॉफिट परचेस्ड प्रॉफिट हुए इसलिए मैं कंसोलिडेशन में उसे सीओ -सी में ले जाऊंगा मैं कहूंगा मेरे इन्वेस्टमेंट के बदले में मुझे प्रॉफिट में शेयर मिला है नेट अमाउंट गुडविल कैपिटल रिजर्व आएगा लेकिन इकतीस मार्च सत्रह के बाद एक साल बीतने पर थर्टी फर्स्ट मार्च टू जब होल्डिंग कन्वालिडेट करेगा तो सेवनटीन एटीन में सब्सिडरी ने जो प्रॉफिट कमाए हैं वो हंड्रेड परसेंट किसके हैं होल्डिंग के इफ इट इज अंड्रेड परसेंट सब्सिडरी लेकिन ये प्रॉफिट होल्डिंग ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं कारण भारत में हम डिविडेंड इनकम को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं यानी अगर मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूं तो उसके शेयर के बदले में जो मुझे डिविडेंड मिलता है मैं सिर्फ उसे इनकम बुक करता हूं यानी मैं किसी कंपनी के 100 प्रतिशत शेयर खरीद भी लू तो भी उस कंपनी के कमाए हुए प्रॉफिट तब तक अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा जब तक कि वो इन प्रॉफिट्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देता तो होल्डिंग के स्टैंडलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडरी के प्रॉफिट जो एक्विजिशन की डेट के बाद के हैं वो सिर्फ तभी आएंगे जब सब्सिडरी उसे बांट देगी पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग सब्सिडरी मेरे ही ग्रुप का पार्ट है तो उसके प्रॉफिट्स भी मेरे प्रॉफिट्स हैं। और अगर ऐसा है कि उसके प्रॉफिट्स हैं तो मुझे आइडियली क्या करना चाहिए आई शुड आइडियली डू वॉट आई शुड आइडियली से कि सब्सिडरी के जो प्रॉफिट्स उसने सेवनटीन एटीन डेट ऑफ एक्विजिशन से बैलेंस शीट डेट के दौरान सब्सिडरी ने जो प्रॉफिट कमाए और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए इसलिए मेरे स्टैंड लोन में नहीं आ रहे हैं वो प्रॉफिट में मेरा हिस्सा मैं अपने कंसोलिडेटेड पी एंड एल में एड कर दूंगा यानी कि कंक्लूजन सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से माइनस हो गुडविल कैपिटल रिजर्व सीओसी में जाएंगे सब्सिडरी के एक्विजिशन डेट के बाद के प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो होल्डिंग की बुक्स में ऑलरेडी आ रहे हैं डिविडेंड इनकम बुक हो चुकी है ऑलरेडी होल्डिंग बुक्स में में प्रॉफिट्स आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं तो उस केस में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन प्रॉफिट में जो होल्डिंग का हिस्सा है वो होल्डिंग अपने प्रॉफिट्स में ऐड कर देगा क्योंकि कमाए सब्सिडरी ने यानी कि होल्डिंग ये लॉजिक से हम क्या करते हैं कंसोलिडेटेड एंड सरप्लस प्रिपेयर कर दें और हमने देखा था सब्सिडी के अलग अलग रिजर्व हैं तो उसको होल्डिंग के अलग अलग रिजर्व में एड किया जाए दिस इज समी एक्चुअली डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास करेक्ट अब आपको याद हो तो मैंने पिछले एक क्लास में आपको बताया था कि होल्डिंग सब्सिडरी के सारे एडजस्टमेंट्स को हम लॉजिकली कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिसको हम लोग क्लास में सी टी सी कहते हैं सी टी सी इज कंसोलिडेशन थ्रू केसेस टॉलिडेशन थ्रू केसेस वींस मैंने क्या किया हमने ये किया कि पूरे कंसोलिडेशन चैप्टर में जितने एडजस्टमेंट जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने वाले हैं सर आपको कैसे पता? अरे पढ़ा रहे हैं यार बारह साल से जितने एडजस्टमेंट एग्जाम में अभी तक पूछे हैं या जो पूछे जा सकते हैं वो सारे एडजस्टमेंट्स को मैंने लॉजिकली दस केसेस में डिवाइड कर दिया है इन दस केसेस में से आप ये बोल सकते हो कि हमारे शुरू के कुछ केसेस बेसिक फंडामेंटल केसेस हैं जो नॉर्मली आप मैक्सिमम क्वेश्चन में देखेंगे बाद के हमारे कुछ केसेस स्पेशल एक्सक्लूसिव, शॉर्ट केसेस हैं जो हर क्वेश्चन में नहीं आएंगे लेकिन अगर वो क्वेश्चन में आए तो डेफिनेटली दे विल चेंज कंसंट्रेट मोर ऑन कीपिंग इन माइंड लाइन एंड आर ऑब्जेक्टिव इज टू रिवाइज मेजोरिटी पोर्शन ऑफ द कंसॉलिडेशन चैप्टर मैंने क्या किया है मैंने ये सोचा कि कंसोलिडेशन में नॉर्मली अगर आप लोगों ने कंसोलिडेशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कंसोलिडेशन में नॉर्मली क्या एडजस्टमेंट्स आते हैं सबसे पहले तो दोस्त एक बेसिक केस बना दिया गया है केस वन बेसिक्स इसमें क्या किया गया है हमने ये देखा कि कंसोलिडेशन में वॉट कैन पॉसिबली हैपन इस बेसिकली क्या हो सकता है कंसोलिडेशन में तो पॉसिबली ये हो सकता है कि हमने सब्सिडी में एक्विजिशन किया उसके बाद सब्सिडी ने प्रॉफिट कमाए तो उस प्रॉफिट में होल्डिंग का शेयर ऐड किया जाता है ये बेसिक कंसोलिडेशन हो गया इसमें हो सकता है सब्सिडरी ने बाद में लॉस करना है इनफैक्ट लॉस इनकर किए तो फिर होल्डिंग को क्या लॉस में भी शेयर लेना पड़ेगा यह भी एक बेसिक क्वेश्चन हो सकता है इसमें एक स्पेशल सिचुएशन यह हो सकती है कि बाद में होल्डिंग ने जिस दिन सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद में सब्सिडी ने लॉसेस इनकर किए और इतने ज्यादा लॉसेस इनकर किए कि सब्सिडरी की नेटवर्थ ही नेगेटिव गई यानी अब होल्डिंग का सब्सिडरी में अगर आप स्टेक निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा क्योंकि उसकी नेट नेगेटिव है तो होल्डिंग का शेयर भी नेगेटिव होगा तो ये तीन सिचुएशंस अपन यहाँ पे केस वन में डिस्कस करेंगे सिचुएशन नंबर वन व्हेन वी हैव पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट सिचुएशन नंबर टू ऑफ पोस्ट एक्विजिशन लॉसेज सिचुएशन नंबर थ्री ऑफ नेगेटिव नेटवर्थ लीडिंग टू अ नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसके बाद फिर आप नॉर्मली देखते हैं मेजोरिटी क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट डिविडेंड का आता है सब्सिडरी ने डिविडेंड बॉटो जिसकी अकाउंटिंग हो चुकी है यो सब्सिडरी ने डिविडेंड बॉटा जिसकी अकाउंटिंग होना बाकी है उसमें भी होता है सब्सिडी ने डिविडेंड जो बांटा है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बांटा या पोस्ट एक्विजिशन से और डिविडेंड हो सकता है डिक्लेयर ना हुआ हो प्रपोज किया गया प्रपोज डिविडेंट में चेंज विच इज एक्चुअली मेड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्स बाई एम सी एजिंग स्टैंडर्ड एंडस्टीट्यूट हेज मेड दैट चेंज एप्लीकेबल फर्स्ट टाइम फ्रॉम मे टू थाउजेंड से वील टॉक अबाउट प्रपोज डिविडेंट ऑल्सो इन दैट सेंस प्रैक्टिस मैन्युअल में भी अगर आप देखेंगे तो देर आर क्वेश्चन इन प्रैक्टिस मैनुअल विच नाउ डिविडेंड डिविडेंटल अगर आप पुराना प्रैक्टिस मैनुअल देखोगे तो उसमें आपको प्रपोज्ड डिविडेंड वाले एडजस्टमेंट देखेंगे लेकिन टू थाउजेंड सेवेंटीन जनवरी इंस्टीट्यूट केम आउट विद अ न्यू प्रैक्टिस मैनुअल फॉर एफ आर और अगर आप उसमें देखेंगे तो उन्होंने उसमें सारे क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड को डिविडेंड पेबल करके कन्वर्ट कर दिया तो मैं आपको ब्रीफ में उसका भी बेसिक फंडामेंटल समझाऊंगा तो डिविडेंड्स में वील डिस्कस दीज फोर केसेस आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन आउट ऑफ प्री एक्विजीशन पोज डिविडेंड आउट ऑफ प्री प्रपोज डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट ये मैंने लिख के कैंसिल कर दिया उसका कारण यह कि अब प्रपोज डिविडेंट की अकाउंटिंग नहीं होती है सिर्फ डिस्कलोजर्स होते हैं लेकिन वापस से हमने लिख के काटा क्यों है वही बात याद रखना कई बार हमें किसी को भुलाना होता है लेकिन इतना भी नहीं कि हम उसे पूरा भूल जाए यानी इन दोनों चीजों को भूलना है लेकिन पूरी तरह से नहीं हमें याद रखना है कि हमें इसे भूलना है बहुत बढ़िया

अगर बोनस बांटा गया है प्री एक्विजिशन रिजर्व से तो क्या होगा कि आपकी गुडविल चेंज होगी अरे सर इतना कैसे सोचे ठीक है प्री एक्विजिशन रिजर्व से हमने बोनस बांटा hmm, क्या गुडविल चेंज होगी देखते हैं अगर मैं प्री एक्विजिशन रिजर्व से बोनस बांट रहा हूं तो मेरे प्री एक्विजिशन रिजर्व कम हो रहे हैं लेकिन मेरा शेयर कैपिटल बढ़ रहा है लॉजिकली गुडविल चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि सीओसी में हम क्या लेते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस क्या इक्विटी ऑफ सब्सिडरी अब सब्सिडरी की इक्विटी में क्या आता है शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व आपके प्री एक्विजिशन रिजर्व बोनस के कारण क्या हो गए कम लेकिन आपका शेयर कैपिटल उतरे से ही क्या हो गया बढ़ गया यानी इफेक्टिवली आपकी प्री एक्विजिशन नेटवर्थ पे कोई फर्क नहीं आया क्यों नहीं आया क्योंकि जितने से रिजर्व कम हुए उतने से कैपिटल बढ़ गया यानी इफेक्टिवली गुडविल तो सेम होना चाहिए तो सर ऐसे केस में तो अगर बोनस पोस्ट एक्विजिशन से बटाए तो दिक्कत हो सकती है अगर बोनस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से बटाए क्या होगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस बांटोगे तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कम हो जाएंगे बोलिए पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कम हो जाएंगे और बढ़ेगा क्या शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल कहां जाएगा सीओसी में लेकिन पोस्ट एक्विजिशन जो कहा जाते थे कंसोलिडेटेड रिजर्व इन सप्लस में उसका ट्रांसफर अब कम होगा यानी प्रैक्टिकली बोनस जब नहीं बटा था तब मेरी जो कैपिटल और रिजर्व थी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस बटने के बाद मेरी वो कैपिटल बढ़ गए पर मेरे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कम नहीं हुए क्योंकि बोनस बटाए पोस्ट एक्विजिशन से यानी इस लॉजिक से प्रैक्टिकली मेरी गुडविल चेंज हो सकती है और मेरे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कम हो गए क्यों क्योंकि उसमें से कुछ कन्वर्ट हो गए शेयर्स में तो मेरे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में मेरा शेयर भी कम हो सकता है लॉजिकली बताइए दोस्तों क्या गुडविल चेंज होना चाहिए क्या क्या गुडविल जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकलती है हर साल क्या वो चेंज हो सकती है या सेम रहना चाहिए दैट इज वन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन विच हैव टू डू इसलिए मैंने इस पर तीन सितारे लगा दिए देन यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने इज गोइंग टू बी अ हॉट डिस्कशन नाउ डेज इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है बहुत सारे क्वेश्चन इनफैक्ट जो मैं आपको बता रहा था अभी केस थ्री बोनस शेयर्स पहली बार इंस्टीट्यूट ने मे दो हजार तीन में बैट बॉल लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन पूछा आज वो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस मैनुअल में भी नहीं है आज वो क्वेश्चन आपके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के कंपाइलेशन में भी नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है वो मे 2014 से शुरू होता है और ये सवाल आया था मे 2000 सॉरी मे 2004 से शुरू होता है ये सवाल आया था मे 2003 पहली बार इंस्टीट्यूट ने बैटबॉल लिमिटेड के उस क्वेश्चन से स्टूडेंट से पूछा गया था पूछा था कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस बटते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो जो सवाल में 2003 में पूछा गया था जिसमें पहली बार पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस बांटने की बात की गई थी जो क्वेश्चन आज प्रैक्टिस मैनुअल या कंपाइलर में नहीं है इनफैक्ट वो क्वेश्चन अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको उसको प्रैक्टिस मैनुअल में वो क्वेश्चन आपको दिखेगा आखिरी में अनसोल्ड क्वेश्चन में एनीवेज वही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2013 के एग्जाम में पूछा बैटबॉल लिमिटेड का नवंबर 2013 जी हाँ ये वही अटेम्प्ट था जब थ्री पॉइंट वॉज पासिंग परसेंटेज और उस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या किया प्रिफरेंशियर कैपिटल एड कर दिया यानी दो 2003 का क्वेश्चन लिया फिगर्स चेंज किया और प्रेफरेंशियर कैपिटल ऐड कर दिया दोबारा ऐसी हरकत तो हुई में 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था सेम वही क्वेश्चन पूछा गया दोबारा द क्वेश्चन वॉज इनिशियली आज इन द नेम ऑफ नेशनल लिमिटेड वही क्वेश्चन को नवंबर 2014 में रिपीट किया गया और नवंबर 2014 में वो जब सवाल पूछा गया तो उस सवाल में वही क्वेश्चन आया जो मई 2004 में पूछा गया था नेशनल लिमिटेड के नाम से इस बार आया वो किम किन लिमिटेड के नाम से और उसमें और 2004 और 2014 के क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ क्या था फिगर्स चेंज कर दिए गए और प्रेफरेंशियल कैपिटल को ऐड कर दिया गया यानी आप देखेंगे इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्या कर रहे हैं प्रेफरेंशियर कैपिटल को ऐड कर करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं पिछले पाँच छः अटैप्ट में अगर आप देखेंगे तो मेनी टाइम्स इंस्टीट्यूट है तो दिस इज वन हॉट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट नाउ डेज हालांकि ये जो मैंने बताया ना इससे आप अपनी ज्योतिष विद्या लगाना शुरू मत कर देना मई 2003 वाला नवंबर 13 में आया मे चार वाला नवंबर चौदह में आया बस इससे अब हमको समझ में आ गया है कि अगर हमारा अटेम्प्ट नवंबर है तो क्या पढ़ना है मई है तो क्या पढ़ना है सारे ज्योतिष फेल हो जाते हैं सीए फाइनल की एग्जाम्स में तो फॉरगेट ऑल दैट स्टडी एवरीथिंग चलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हम क्या डिस्कस करेंगे तो हमारा डिस्कशन प्रमेरली होगा क्यूमलेटिव शेयर कैपिटल में अगर सब्सिडरी में प्रेफरेंस प्रफरेटिव प्रेफरेंस अब सब्सिडरी के प्रेफरेंस शेयर में हो सकता है होल्डिंग का होल्डिंग परसेंटेज इक्विटी के परसेंटेज से अलग हो यानी सब्सिडरी की इक्विटी में मेरा 80 परसेंट स्टेक है लेकिन प्रेफरेंस शेयर में 50 परसेंट ही है तो ऑब्वियस सी बात है सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में मेरा 80 परसेंट हिस्सा आएगा क्या सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में मेरा अस्सी हिस्सा आएगा क्या क्यों नहीं आएगा बिकॉज सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में पहले किसकी हिस्सेदारी बनेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की और उसमें मेरा सिर्फ कितना होगा 50 परसेंट तो माइनॉरिटी का कितना होगा बैलेंस 50 परसेंट right? राइट फिर जो प्रॉफिट्स बचेंगे उसमें मेरा 80 परसेंट और माइनॉरिटी का 20 परसेंट होगा लेकिन अगर कभी प्रॉफिट इतने बचे ही नहीं कम पड़ गए लॉस हो गए तो क्या होगा वो सारे एडजस्टमेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वील बेसिकली टॉक्स अबाउट केसेज वेर देर आर अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंट इफ

क्यूमलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव लीगली प्रेफरेंस शेयर क्यूमलेटिव है या नॉन क्यूमलेटिव रेडिमेबल है या याडिमेबल कन्वर्टेबल है या नॉन कन्वर्टेबल पार्टिसिपेटिंग है या नॉन पार्टिसिपेटिंग ये सब कहा लिखा हुआ मिलेगा आपको कौन से सेक्शन में दिया गया है तो प्रिफरेंस शेयर की टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट गवर्नड बाई एनी सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ दीज़ आर क्चुअल टर्म्स जब शेयर इशू करते हैं तो प्रोस्पेक्टस में जो टर्म्स लिखी जाती है वो मानी जाती है लेकिन अगर आपका प्रोस्पेक्टस साइलेंट है यानी हमारे केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इट इज इंप्लाइड आई सेन कन्वर्टेबल रिडीमेबल नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी वो टिव है क्योंकि प्रेफरेंशियर क्यूमलेटिव नहीं होंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं ये प्रिफरेंशियर आदमी लेता ही फिक्स डिविडेंड के लिए तो दो तो क्यूमुलेटिव होते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन साइलेंट है तो इट इज इंप्लाइड दे आर क्यूमलेटिव दे विल नॉट बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर बट रिडीम्ड एंड दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में उनकी कोई शेयरिंग नहीं आज तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स के ही पूछे गए है, हैं जो नॉन कन्वर्टेबल रहे और नॉन पार्टिसिपेटिंग रहे

एंड यू हैव रिवेलुएशन रिजर्व के एडजस्टमेंट नॉर्मली आपने देखा होगा क्वेश्चन में आपको मिलते हैं जिसमें ऐसा कहा जाता है कि सब्सिडरी की एसेट्स लाइबिलिटी को रिवैल्यू किया जा रहा है इसके अलावा सो इनफैक्ट हम लोग नॉर्मली क्लास में दस केसेस डिस्कस करते हैं बट मेरे हिसाब से ये मोस्ट कॉमनली कॉमनलीस्ट केसेस है तो वील फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज सिक्स केसेस फर्स्ट ठीक है बाकी अदरवाइज एंड वी डू आर कंप्लीट बैच वी ऑब्वियसली विल डिस्कस ऑल द केस चलिए दोस्तों वॉट हैव डन नाउ इज प्लीज अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं अपन आप लोग समझे व्हाट वी वीव डन इज नाउ द वे वी विल बी एक्चुअली काइंड ऑफ डिस्कसिंग थिंग्स इज व्हाट वी डू इज देखिएगा आप रिविजन uh, करने के लिए हम लोग क्लास uh, में जो यूज करते हैं आई एम यूजिंग द सेम थिंग इन द वीडियो दिस इज कंसोलिडेशन कॉ ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र ये क्या होता है सर ब्रह्मास्त्र तो आप जानते ही हैं क्या होता है वट वी डू इज इन क्लास जितने भी हमारे चैप्टर्स होते हैं कोर चैप्टर्स कंसोलिडेशन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग वैल्युएशन लेंथी चैप्टर्स इन सभी चैप्टर्स के मैंने क्या कर रखे हैं ब्रह्मास्त्र बना के रखे हैं ये ब्रह्मास्त्र क्या है ब्रह्मास्त्र में जितने भी सारे आपके पॉसिबल एडजस्टमेंट्स आते हैं उन एडजस्टमेंट्स को केसेस फॉर्म में आपके सामने रख दिया गया है दिस इज आर अप्रोच नॉर्मली वी स्टडी इन क्लास हम क्या करते हैं आई हैव अ वेरी सिंपल फंडामेंटल आप लोग एग्जाम में भी इनफैक्ट आईपीसीसी में भी आप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे आपके चैप्टर्स होते थे सिंगल एंट्री कैश फ्लो वेरियस चैप्टर्स राइट क्या होता था इसमें कैसे तरीका होता था कैश फ्लो पढ़ रहे हैं पहले पढ़ लेते थे पूरा समझ लेते थे अच्छे से एडजस्टमेंट्स भी देख लेते थे उसके और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते थे सही होते थे क्या क्वेश्चन हाँ सर होते थे पक्का सर एक आध एडजस्टमेंट कभी इधर उधर हो जाता था उसको छोड़ के बाकी सब तो सही हो जाता था इसका मतलब आपका फाइनल आंसर मैच नहीं करता था फिर वो सिंगल एंट्री हो कैश फ्लो हो या ऐसे कोई भी क्वेश्चन लंबे लंबे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं इससे क्या होता है कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता और हर क्वेश्चन में एक नई चीज आ जाती है तो लगता है इसमें यह सीखने को मिला वी हैव अ डिफरेंट अप्रोच वट वी डू इज हम पहले जितने पॉसिबल एडजस्टमेंट आ सकते हैं पहले उसको कवर करेंगे ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो उसमें कंसेप्चुअली एक भी नया एडजस्टमेंट नहीं आना चाहिए एंड देन वी डू द क्वेश्चन और फिर क्वेश्चंस करके हमारा आंसर सही बैठेगा फिर वो तो होता ही नहीं है कभी लेकिन हमारे आंसर को गलत आंसर गलत होने का कारण क्या होगा हमारी क्लेरिकल मिस्टेक्स कैलकुलेशन एरर्स, लिख दिया गलत ये मिस्टेक्स जो प्रैक्टिस के साथ साथ खत्म हो जाती है लेकिन कंसेप्चुअल एरर अगर आप हर क्वेश्चन में एक एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करोगे इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिवाइज तो व्हाट वी इज कंसोलिडेशन के सारे एडजस्टमेंट्स इट अप इन केसेस उसके कुछ 18 मैंने क्वेश्चंस बना रखे हैं जिसमें हर पॉसिबल तरह के एडजस्टमेंट्स और केसेस कवर हो जाते हैं जिसे हम लोग कंसोलिडेशन का ब्रह्मास बोलते हैं ये हमारा ब्रह्मास नंबर वन है जिसमें हम क्या कवर कर रहे हैं ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सिंगल सब्सिडरी कंपनी फ्रेंड्स आई होप यू नो कंसॉलिडेशन में यू हैव चेन होल्डिंग क्रॉस होल्डिंग मल्टीपल सब्सिडरीज ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट्स लॉट ऑफ थिंग्स हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अभी इस लेक्चर में क्या डिस्कस करना है बैलेंस शीट कंसल्टेशन ऑफ सिंगल सब्सिडरी सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट्रह्मास्त्र में जो मेरे होते हैं उसमें से आई कव इन नेचर टोटल ऑफ एटीन क्वेश्चन बाई योर सी एस आर तक जेन एनी दैट्स ओके फैकल्टी ऑफ एज वॉट वी कॉल इट अकाउंटिट ठीक है चले तो दिस इज बेसिकली आर ब्रह्मास्त्र

सब्सिडरी सिंपल सी चीज है एच लिमिटेड फॉर होल्डिंग एस लिमिटेड फॉर सब्सिडरी एच ने एस के शेयर खरीदे और उसके बाद एस ने कुछ कमाए जो एस लिमिटेड ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए इसलिए एच लिमिटेड की स्टैंडलोन बैलेंस शीट में नहीं आ रहे इसीलिए तो हम कंसोलिडेशन करते हैं ताकि एच लिमिटेड के पोस्ट एक्विजिशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो हमारे स्टैंडलोन बैलेंस शीट में नहीं आ रहे हमारे यानी एच लिमिटेड के वो एच लिमिटेड के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्रेजेंट होने लग जाएं क्योंकि सब्सिडरी ने कमाया, यानी होल्डिंग ने कमाया तो पहला एडजस्टमेंट हमारा सिंपल केस है जिसमें सब्सिडी ने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कमाए आप क्वेश्चन सुनिए आपको समझ में आने लगेगा पहला क्वेश्चन एच लिमिटेड की बैलेंस शीट 31 मार्च 16 एस लिमिटेड की बैलेंस शीट 31 मार्च 16 प्लीज डोंट गो ऑन द कॉस्मेटिक्स ऑफ द बैलेंस शीट हम यहां पे बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन पे नहीं जा रहे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहे हैं ठीक है तो शेड्यूल थ्री का फॉर्मेट एक्सपेक्ट मत करना इक्विटी इन लाइबिलिटी साइड शेयर होल्डर फंड इक्विटी शेयर कैपिटल और पी एंड एल नॉन करंट लाइबिलिटी लोन नॉन करंट असेट्स में हमारे काम की चीज इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 60 परसेंट शेयर खरीदे हमने तीस नौ पंद्रह को यह है 31 मार्च 16 ठीक है यानी कि एक्विजिशन कब हुआ है तीस नौ पंद्रह बैलेंस शीट की डेट है इकतीस मार्च सोलह इसका मतलब एक्विजिशन कब हुआ है मिड ऑफ द ईयर में क्योंकि एक्विजिशन मिड ऑफ द ईयर में हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ इस साल के शुरू के छह महीने के प्रॉफिट होल्डिंग ने सब्सिडरी से खरीदे हैं यानी प्री एक्विजिशन वो कहा जाएंगे सीओसी में और सितंबर पंद्रह के बाद यानी अक्टूबर से मार्च सोलह के प्रॉफिट सब्सिडरी ने जो कमाए हैं वो होल्डिंग ने भी कमाए है, हैं ना कि खरीदे इसलिए वो कहां जाएंगे होल्डिंग के कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस हमने कंसोलिडेशन के तीन एडजस्टमेंट पढ़े थे तीन स्टेप्स पढ़े थे स्टेप वन सीओसी स्टेप टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट स्टेप थ्री कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस तीस सितंबर पंद्रह से पहले के सब्सिडरी के सारे प्रॉफिट स्टेप वन सीओसी में जाएंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 30 सितंबर से बात के मार्च 16 तक के सारे प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन स्टेप थ्री कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सप्लस में जाएंगे पूरे प्रॉफिट्स में माइनॉरिटी का जो शेयर है वो स्टेप टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा ठीक बात है ओके तीस सितंबर 2015 को हमने 15000 हजार के क्या किए इन्वेस्टमेंट्स किए एक चीज ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम में कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में I always tell my students when you are doing, in fact, when you are reading the question of consolidation. I am not saying every question. हर चैप्टर में अलग अलग तरकीब होती है हर चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं कंसोलिडेशन के चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ते समय आई ऑलवेज सजेस्ट दैट वाइल यू आर रीडिंग यू विल यू शुड ऑलवेज ट्राई टू मेमोराइज वाइल रीडिंग what is the name of holding company what is the name of subsidiary company what is the date of balance sheet what is the date of acquisition or acquisitions in case if there are multiple acquisitions right अब हो सके तो ये चीजें एंड परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ दिमाग में मेमोराइज कर लेना कारण बताता हूं क्वेश्चन पढ़ते समय कई बार इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है आप देख रहा पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस होल्डिंग का नाम एस लिमिटेड सब्सिडरी का नाम टी लिमिटेड नॉर्मली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए एस फॉर सब्सिडरी होता है वो जान करके एस फॉर होल्डिंग दे देते उनकी अल्फाबेट ही अलग चलती है आईसीआई की वो तो उनका तो ऑब्जेक्टिव ही है ना भारत में लोगों को सीए बनाना सॉरी भारत में लोगों को सीए बनने से रोकना तो वो जान करके आपसे इस तरह के सवाल करेंगे इनफैक्ट इस तरह के एडजस्टमेंट डालेंगे फिर क्या होता है आप क्वेश्चन पढ़ते समय आपने सपोज एक ट्रांजेक्शन देखा एस लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड फोर रुपीज सिक्स हंड्रेड टू टी लिमिटेड अब ये पढ़ के हमें क्या लगता है एस लिमिटेड ने बेचा है नहीं सब्सिडरी ने बेचा जबकि एस यहाँ पर होल्डिंग है टी सब्सिडरी है अब ऑब्बियस ही बात है जब आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि सब्सिडरी होल्डिंग को और होल्डिंग सब्सिडरी को बेचे तो दोनों के अनरियलाइज प्रॉफिट को हटाने के तरीके अलग होते हैं इसलिए आप होल्डिंग सब्सिडी के नाम ध्यान रखना मेरे केस में हर केस में मैंने एच आर एस ही लिया है डेट ऑफ बैलेंस शीट और डेट ऑफ एक्विजिशन की याद रखना ताकि आपको हर एडजस्टमेंट पढ़ते समय पता पड़े कि कौन सा एडजस्टमेंट प्री एक्विजिशन पीरियड का है कौन सा पोस्ट आपने देखा होगा कंसोलिडेशन का सबसे बड़ा मुद्दा ही क्या होता है प्री और पोस्ट का सही बंटवारा वो गलत हुआ तो पूरे कंसोलिडेशन में आप देख लीजिए प्री पोस्ट का बंटवारा गलत तो आपकी सीओसी और कंसोलिडेटेड रिजर्व्स गलत ही आएंगी क्या होता है मेरा ऐसा मानना है क्वेश्चन पूरा पढ़ने के साथ साथ ही एडजस्टमेंट पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका इफेक्ट कहां कहां जाएगा इससे हमें क्वेश्चन पढ़ते समय बार बार बैक एंड फोर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यहां डेट पड़ी फिर देखा बैलेंस शीट डेट फिर देखा ये डेट फिर देखा ये प्रिय या पोस्ट ऐसे करने में चांसेस ऑफ मिसिंग समथिंग इज मोर क्वेश्चन दोस्त अपन जितनी कम बार पढ़ के सॉल्व करने के लायक हो जाएंगे उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर आपको बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत पड़ रही है हर एडजस्टमेंट में ये क्या डेट थी प्री है पोस्ट है तो आपका जितनी बार आप बार बार क्वेश्चन देखोगे आपका कॉन्सेंट्रेशन या इनफैक्ट आपका लिंक उतना टूटेगा इससे आपका कॉन्फिडेंस तो आप पढ़ते समय याद रखना बैलेंस शीट की डेट इकतीस मार्च दो इन्वेस्टमेंट की डेट तीस सितंबर दो यानी हमको पता है क्या पता है कि ये एक्विजिशन साल के बीच में हुआ है शुरू के छह महीने के प्रॉफिट प्री उसके बाद के छह महीने के पोस्ट अब सपोज इस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट आ गया सपोज आपको यह बोल दिया कि जून के महीने में आग लग गई थी तो आपको मालूम है कि आग कब लगी थी जून के महीने में नहीं आग कब लगी थी प्री एक्विजिशन पीरियड में उसका एडजस्टमेंट उसका इफेक्ट किस पीरियड को बिलोंग करेगा प्री को यह कब होगा जब आप डेट ध्यान रखेंगे इन परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग दिमाग में कैलकुलेशन करने के काम में आता है दैट इज सजेस्टेड एनी वेज संडी असेट्स तीस हजार के हैं एस की बैलेंस शीट देखते हैं सेम डेट की बैलेंस शीट चाहिए वो है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल दस हज़ार ओपनिंग पी एंडल पांच हज़ार पी एंडल का ओपनिंग बैलेंस पांच है और पंद्रह सोलह में हमने बारह हजार के प्रॉफिट्स कमाए पांच हजार के जो ओपनिंग बी एंडल है इसका मतलब है कि यह प्रॉफिट सब्सिडरी ने पिछले सालों में कमाए और अभी तक पार्टे नहीं है बारह हजार प्रॉफिट उसने इस साल में कमाए हैं अज्यूमिंग कि उसने कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया यही उसके नेट प्रॉफिट यही बैलेंस शीट में रिटेन प्रॉफिट में एड हो गए ये पूरा तो प्री होना चाहिए पांच हजार ये पूरा प्री नहीं होगा ये प्री भी होगा और कुछ पोस्ट भी होगा एक्विजिशन 30 सितंबर को हुआ यानी मिड ऑफ़ द ईयर में तो अनलेस क्वेश्चन कोई एडजस्टमेंट दे हम इसको सिक्स मंथ सिक्स मंथस में डिवाइड कर सकते हैं बट लेट एस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन लोन नॉन करंट असेट करंट असिट्स एकदम सामान सी मासूम सी बैलेंस शीट है सबसे रहेगी नो थ्रिल्स नो थ्रिल्स नो किस एडिशनल इंफॉर्मेशन अब यहां पर किक है देखे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या ड्यूरिंग द इयर ऑफ फ्रायर ब्रोकआउट इन द प्रमाइंस ऑफ एस लिमिटेड गई आग में क्या झुलस के रह गया अन इनश्योर्ड स्टॉक आग में स्टॉक जल गया कॉस्टिंग थ्री थाउजेंड इन द मंथ ऑफ जून अकाउंटिंग इफेक्ट हैज ऑलरेडी बीन गिवेन देखा होगा आपने कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे एडजस्टमेंट आते हैं इनफैक्ट ये एडजस्टमेंट में 2003 के क्वेश्चन में पूछा गया था जिसे दोबारा नवंबर 2013 में पूछा गया वही अटेम्प्ट जिसमें 3.11 परसेंट रिजल्ट आया था तो कहते कि एसके अन स्टॉक 3000 के आग में नष्ट हो गए जून दो में कुल cool! हमें क्या लेना देना बताता हूं चलिए डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है थर्टी सितंबर यानी बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर मिड ऑफ द ईयर मिड ऑफ द ईयर 30 सितंबर के पहले के प्रॉफिट क्या है प्री 30 सितंबर के बाद के प्रॉफिट क्या है पोस्ट प्री पोस्ट प्री पोस्ट मुझे क्या 30 सितंबर तक के प्रॉफिट्स दिए गए नहीं मुझे तो 15-16 के प्रॉफिट्स दिए गए कितने 12000 अब आप बताइए 15 16 के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं अगर आपको सॉरी ट्वेल्व ओनली करेक्ट फिफ्टीन सिक्सटीन के प्रॉफिट दिए बारह हजार मुझे चाहिए फर्स्ट सिक्स मंथ्स के प्रॉफिट तो मैं क्या करूंगा यही अज्यूम करूंगा दैट अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर यानी 12000 साल के तो एक महीने के हजार तो छह महीने के छह हजार तो प्री छे और पोस्ट छ यही अज्यूम करेंगे अपन नॉर्मली पर आप ये अज्यूम कब कर पाओगे जब या तो क्वेश्चन में दिया हुआ हो दैट प्रॉफिट अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर या क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो हम अज्यूम करेंगे सारे प्रॉफिट इवनली हुए होंगे थ्रू आउट द ईयर राइट right? पर इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी है कि एक तीन हजार रुपए का माल आग में जल गया यह जो माल आग में जला है ये अनइंश्योर्ड है। इसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला है तो ये लॉस अब आप एक बात बताओ क्या ये लॉस थ्रू आउट ईयर इवनली अक्रू हुआ होगा नहीं ये तो दिया हुआ है जून में ही हुआ है यानी सबसे पहला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एडजस्टमेंट बनाने के लिए i should first start with the first working note If it would be what doing an analysis of current year which is 2015 16 profits हमेशा ध्यान रखना इसमें क्या करते हैं जब भी क्वेश्चन में एक्विजिशन मिड ऑफ द ईयर में हो और इस तरह का कोई अबनॉर्मल लॉस हो तो प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड फॉर फिफ्टीन सिक्सटीन आर ट्वेल्व थाउजेंड बट दीज आर नॉट रेकरिंग प्रॉफिट है ना एक दे आर नॉट रेकरिंग प्रॉफिट बिकॉज इसमें एक्स्ट्रॉडनरी लॉस की अकाउंटिंग हो चुकी है आप देखो डैमेजिंग अनइंश्योर्ड स्टॉक अकाउंटिंग ऑफ विच हैज़ ऑलरेडी बीन डन उस लॉजिक से अगर अपन देखें तो इसकी अकाउंटिंग हो चुकी है और अकाउंटिंग हो चुकी है इसका मतलब 12000 में ये लॉस माइनस हो चुका है या यू समझो कि अगर ये लॉस नहीं होता तो आज हमारे प्रॉफिट्स कितने होते ये वैसी बात हो गई कि आपने साल भर में स्टाइप से नेट बारह हजार रुपये बचाए सर क्यों मजाक कर रहे हो स्टाइपन से पैसा थोड़ा बचता है ठीक है कन्वेंस के वाउचर में बचा लिए ये बारह हजार रुपये जो आपके बचे हैं दिस ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज यू हैव वेव सेव थ्रू आउट द ईयर लेकिन जून के महीने में आपने नॉर्मली आपके पूरे के पूरे साल खर्चे एक समान होते हैं बट से किसी एक महीने में से जून छोड़ो फरवरी के महीने में आपका कोई एक्स्ट्रॉडनरी लॉस हो गया फरवरी के पावन महीने में चौदह फरवरी को आपने उसको तीन हजार रुपए का गिफ्ट दिया जो उसने रखने के बाद आपको मना कर दिया डबल दर्द गिफ्ट भी गया मना भी हो गया तीन हजार का वो एक्सपेंस छोड़ तो दे तो थ्रू आउट द ईयर एक्सपेंस सेम थे यानी आप बताइए आपने थ्रू आउट द ईयर क्या बारह हजार इक्वली कमाए होंगे नहीं हम क्या करेंगे जो हमारा एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉस है तीन हजार का उसको ऐड कर देंगे यानी मेरी सेविंग साल भर में कितनी थी इसे हम बोलते हैं हमारे क्या ऑर्डिनरी रेकरिंग प्रॉफिट्स साल भर में आपने एज ऑर्डिनरी रेकरिंग प्रॉफिट के नाम से पंद्रह कमाए अब इस पंद्रह हज़ार को आप डिवाइड कर दीजिए किसमें अप्रैल टू सितंबर अक्टूबर टू मार्च डेट ऑफ एक्विजिशन के आधार ये तो सिक्स मंथ इस टू सिक्स मंथ होगा यानी साल भर में आपने साढ़े सात साढ़े सात हज़ार प्रॉफिट कमाए फर्स्ट सिक्स मंथ्स एंड नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में लेकिन सी बात है कि ये जो प्रॉफिट आपने कमाए ये प्रॉफिट में देर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस विच इज ऑफ थ्री थाउजेंड और ये फर्स्ट सिक्स मंथ्स को बिलोंग करता है इसलिए मैं इसे दोनों में माइनस नहीं करूँगा यहाँ पे मेरे प्रॉफिट साढ़े चार यहाँ मेरे प्रॉफिट साढ़े सात और ये हो गए मेरे प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड फॉर फिफ्टीन सिक्सटीन साढ़े चार प्लस साढ़े सात इज़ इक्वल टू पंद्रह जो मेरे सॉरी बारह जो मेरे एक्चुअल प्रॉफिट्स यानी दोस्तों प्री एक्विजिशन में कितना जाएगा 4500 पोस्ट एक्विजिशन में कितना जाएगा दिस इज गोइंग टू बी प्री एक्विजिशन दिस इज गोइंग टू बी पोस्ट एक्विजिशन ठीक है नॉर्मली हम क्या करते हैं 12000 को 6 6000 कर देते हैं पर यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक एक्सपेंस है जो थ्रू आउट द ईयर इवनली नहीं हुआ है तो उसको हटा के प्रॉफिट इवनली अक्रू है तो पहले उसको बांट दो फिर वो एक्सपेंस माइनस करके नेट प्रॉफिट फिर से निकाल लो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसके काम आएगा डिस्ट्रीब्यूशन आपके फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट्स ठीक है दोस्त चलिए तो ये हमारे प्री और प्रोस्ट प्रॉफिट का एनालिसिस हो गया नाउ थिंग्स लुक्स टू बी वेरी सिंपल वॉट वी विल डू इज तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग नॉर्मली एक वर्किंग नोट बनाते हो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का चलिए तो वैन यू मेक दिस वर्किंग नोट ऑफ एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड सबके अपने अपने तरीके होते हैं कोई चार्ट बनाता है कोई एक टाइमलाइन बना के एरो डाइग्राम बना के सॉल्व करता है हम तो टेबल के दीवाने हैं हम डायग्राम वाइग्राम में बिलीव नहीं करते उसका कारण ये है कि डायग्राम हर क्वेश्चन में एक जैसा नहीं बन सकता टेबल का फॉर्मेट फिक्स किया जा सकता है वो हर क्वेश्चन में एक जैसा हो सकता है हमारा सिंपल सा लॉजिक है एस लिमिटेड के प्रॉफिट्स का एनालिसिस हो रहा है उसका पी एल बैलेंस शीट डेट पे कितना है तो हमेशा सबसे पहले पी एल लाइन में क्या लिखते हैं टोटल पी एंड एल उसका कितना है बारह हजार नहीं नहीं सर टोटल नहीं है बारह हजार तो इस साल का है टोटल तो सत्रह हजार है ये देखिए पांच प्लस बारह टोटल कितना है सत्रह तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस लिखना है ना कि इस साल के प्रॉफिट सत्रह में से कितना प्री है तो सर ओपनिंग पांच हज़ार प्री है प्लस अभी जो हमने निकाला साढ़े चार हजार वो भी प्री है फर्स्ट सिक्स मंथ्स ये ओपनिंग है और ये फर्स्ट सिक्स मंथ्स है पोस्ट कितना है साढ़े सात हजार जरा टोटल देखो ये कितना आ रहा है साढ़े नौ हजार साढ़े सात हजार टोटल हो गया आपका सत्रह हज़ार यानी ये बराबर है अगर ये बराबर है तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं एनालिसिस कंप्लीट हो गया ये मैं ऐसा क्यों करता हूँ क्योंकि इसके बाद अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स दिए जाते हैं कोई भी दूसरे जैसे बोनस डिविडेंड कुछ भी तो फिर उसको अपन इसके नीचे शो कर देते चलिए तो मेरे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हो गए नाइन्टी फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव हंड्रेड सत्रह हज़ार मैं क्या बोलता हूँ एक काम करो इसी में आप शेयर निकाल लो किसका एच लिमिटेड का शेयर कितना है सिक्सटी बताओ 9500 का 60 परसेंट कितना होगा तो 9500 फाइव हंड्रेड परसेंट पाँच हजार सात सर रेड में लिखो रेड में वेरी गुड रेड फॉर प्री ब्लू फॉर पोस्ट सात पाँच का सिक्सटी परसेंट चार पाँच सौ ठीक है तो सर ये तो सिक्सटी परसेंट ही हुआ बचा हुआ फोर्टी परसेंट किसका है माइनॉरिटी का माइनॉरिटी में आप बताइए क्या अपने को माइनॉरिटी वाला अपन ने जो स्टेप टू बनाया था क्या उसमें प्री और पोस्ट प्रॉफिट लगते हैं क्या अपने को नहीं इसलिए मैं क्या करता हूँ माइनॉरिटी को टोटल कॉलम में ही निकालता हूँ सत्रह तो हज़ार का चालीस परसेंट अगर मैं निकालू दैट विल कम आउट टू सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड बस ये फिगर उठा उठा के स्टेप्स में डालो आंसर आ जाएगा चलिए ये हमारे फिगर्स फिगर लेट अस पुट दिस इनटू स्टेप्स स्टेप 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 और ये क्या फॉर्मेट बना के दिया आपने रिवीजन कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए फॉर्मेट बना के रखे हैं मैंने ताकि अपना टाइम रिवीजन पे ज्यादा जाए पे ज़्यादा और बेवजह लिखने में चीज़ों को कम तो एनीवेज स्टेप 1 सीओसी सीओसी शुरू किससे होता है कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितना है आपका पंद्रह हज़ार बदले में आपको शेयर कैपिटल में कितनी हिस्सेदारी मिल रही है तो सब्सिडरी का शेयर है कितने का दस हज़ार का अपने को दस हज़ार में कितना स्टेक मिलेगा सिक्सटी परसेंट तो टेन थाउजेंड का सिक्सटी परसेंट कितना हो जाएगा 6,000 हज़ार ये माइनस होगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में शेयर निकाल लिया अभी अपन ने पाँच हज़ार सात सौ तो ये फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड माइनस हो गया और तो कुछ है नहीं तो बस ये नेट करके अब आपका क्या आ रहा है ग्यारह हज़ार में से माइनस होगा तो 3,300 का क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल ठीक है नॉर्मली मैं चाहता हूं कि प्रॉफिट्स का एनालिसिस टेबल में हो जाए और उसके कैलकुलेशंस भी टेबल में हो जाए ताकि जब आप स्टेप लगाने पे आओ तो आपको सिर्फ फिगर्स एक एक जगह से उठा उठा के फिल करना है आप स्टेप लगाते समय अगर क्वेश्चन की वर्किंग करना शुरू करोगे ना तो फिर लिंक ब्रेक हो जाएगा और चांसेस क्लैरिकल एरर के बढ़ जाएंगे पर अपने पास सारा मसाला तैयार है जब अपन खाना बनाते हैं हम सोचिए खाना बताते समय सर हम क्यों बनाएंगे अरे हॉस्टल वालों से बात कर रहा हूं जब अपन खाना बनाते हैं तो क्या होता है आप सब समझिए खाना बनाते समय मिर्ची मसाले डाल रहे हैं और वहां पे कोई मसाला उस समय नहीं है तो क्या चांस है कि आप वो मसाला लेने जाओगे और जब वो मसाला लेकर आओगे और वो मसाला मिलाओगे तो क्या चांस है हो सकता है कि आपने पहले कौन से मसाले डाले या ना डाले उस पर आप चूक कर जाए भूल जाए एंड इफ यू फॉरगेट दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ नमक दो बार मिल जाए या शक्कर मिलाने से ही रह जाए वाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज स्टेप लगाते समय अपने पास फिगर्स सारे रेडी होना चाहिए इसलिए एओपी अपन इस फॉर्मेट में बनाते हैं कि वहां पे सारी इंफॉर्मेशन तैयार हो जाए ठीक है चलिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनॉरिटी का इंटरेस्ट में अपन देखें शेयर कैपिटल दस हज़ार उसका चालीस परसेंट से शेयर कैपिटल में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है इसलिए कोई वर्किंग नोट नहीं बनाते इसको रिजर्वजन सब प्लस टोटल रिजर्व हमारे सत्रह हज़ार के हैं जिसका ब्रेकअप हमने देख लिया और माइनॉरिटी को कितना शेयर दिया उसमें छः हज़ार आठ सौ इसके अलावा तो माइनॉरिटी के लिए कुछ और है नहीं दस हज़ार आठ सौ माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाए एच लिमिटेड का बैलेंस कितना है तो एच लिमिटेड का बैलेंस देखें पी एंड एल का पंद्रह हज़ार है वीला एड फिफ्टीन थाउजेंड ही है एच लिमिटेड के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में हमारा शेयर कितना है ब्लू से लिखा हुआ चार हज़ार पाँच सौ तो ये चार हज़ार पाँच सौ यहाँ पर ऐड कर टोटल प्रॉफिट्स हो जाएंगे इसके कितने उन्नीस हज़ार पाँच सौ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट विच यू कैन मेक नाउ कैसे बनेगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमेशा याद रखना है इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ किसकी आती है होल्डिंग की ये अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था पंद्रह हजार कंसॉलिडेटेड रिजर्व एंड सप्लस में पी एन डेल है कंसॉलिडेटेड कितना उन्नीस हजार पांच सौ फॉर द फॉर्मैट गाइज जस्ट सी द्वार माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेड्यूल थ्री के फॉर्मेट के बारे में मत सोचना दस हजार आठ सौ लाइबिलिटीज हंड्रेड परसेंट कंसोलिडेट होती है पंद्रह और तीन आठ हजार देन वील हैव नॉन करेंट असेट्स होल्डिंग की तो कोई नॉन करेंट एसेट है नहीं इन्वेस्टमेंट के अलावा गुडविल जरूर होगी सब्सिडरी की ज़रूर है दस हज़ार की तो अपन नॉन करेंट असेट्स लिख लेते हैं टेन थाउजेंड गुडविल अपन ने कितनी निकाली दोस्त सॉरी तीन हज़ार तीन सौ ये रही और करेंट असेट्स और सन्डी असेट्स तीस हजार और बीस हजार ये कितना आ जाएगा पचास हज़ार नीचे लिख देता हूँ जगह का मैं फिफ्टी टेन एंड थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड ठीक है तो करंट असेट्स हमने टोटल कर दी किसकी थर्टी थाउजेंड एंड ये ट्वेंटी थाउजेंड तो ये कितना हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड नॉन करंट असेट्स हो गई हमारी दस हज़ार लोन हो गया हमारा अठारह हज़ार लोन इज फिफ्टीन थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड विच इज एटीन थाउजेंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट दस आठ सौ कंसॉलिडेटेड रिजर्व सौ प्लस उन्नीस पाँच सौ शेयर कैपिटल पंद्रह हजार नॉन करंट असेट्स दस गुडविल तीन तीन सौ करंट ठीक है ये हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है सर टोटल लगा के मैच कर लें क्या वो बैलेंस शीट ही क्या जिसका टोटल लगाना पड़े

इंक इंक पोस्ट एक्विजिशन लॉसेस चलिए क्विकली करेंगे इस क्वेश्चन को शेयर कैपिटल पंद्रह पीएनएल पंद्रह लोन पंद्रह शेयर कैपिटल सब्सिडी का दस ओपनिंग पीएनडल पांच प्रॉफिट माइनस चार है ये माइनस चार हजार ठीक तो नेट हो गए एक हजार लोन चार हजार साठ परसेंट इन्वेस्टमेंट है इस बार एक अप्रैल पंद्रह को किया गया है बैलेंस शीट इकतीस मार्च सोलह की यानी एक्विजिशन इज डन ड्यूरिंग द ईयर और बिगनिंग ऑफ द ईयर बिगनिंग ऑफ द ईयर तो पूरे ओपनिंग प्रॉफिट्स क्या होंगे प्री और करंट ईयर के पूरे पोस्ट सन्ड्री एसेट्स नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट नॉर्मल है बैलेंस शीट हमारी ठीक है अब आपको एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले अपन क्या करते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट का एनालिसिस करेंगे तो देखो ओपनिंग पाँच क्लोजिंग च... सॉरी लॉसेस चार क्लोजिंग एक अब यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं फिर भी हमारी आदत है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाने की एज अ वर्किंग नोट देर इज़ नो अदर वर्किंग नोट हर विल मेक एन एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कॉलम हमारे क्या होते हैं प्री पोस्ट एंड टोटल क्योंकि क्वेश्चन में मैंने सिर्फ पी एंडल रखा है दूसरे कोई रिजर्व नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा रोमांच एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाते समय नहीं आएगा पी एल का सब्सिडी का बैलेंस हमेशा कब का लेना बैलेंस शीट डेट का कितना है टोटल एक हज़ार जिसमें से प्री कितना था पाँच हज़ार और करंट ईयर में लॉस कितना हुआ चार हज़ार हाँ तो हाथ आप क्या करिए शेयर निकाल लीजिए किसका एच लिमिटेड का कितना है सिक्सटी परसेंट कितना हो जाएगा सिक्सटी परसेंट से तीन हजार पोस्ट एक्विजिशन में चौबीस सौ का लॉस का शेयर आ जाएगा टोटल यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि टोटल कॉलम में हम सिर्फ एम लिखते हैं कितना फोर्टी परसेंट उसको प्री पोस्ट से मतलब नहीं है चार सौ ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट चले जाएगा हमारे सी में सीओसी सी स्टेप वन स्टेप थ्री में कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का इन्वेस्टमेंट किया अपन ने देखेंगे अगर हम तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है पंद्रह हज़ार शेयर कैपिटल हमें कितना मिला है दस हज़ार का साठ परसेंट प्री एक्विजिशन एक्विजीशन रिजर्व में हमारा शेयर कितना निकाला हमने तीन हजार प्रॉफिट है ये तो और दूसरा कुछ नहीं है तो छः हजार की हमारी क्या आना चाहिए गुडविल सिक्स थाउजेंड वुड बी आर गुडविल ठीक है माइनॉरिटी का शेयर कैपिटल में कितना इंटरेस्ट होगा चालीस परसेंट चार हजार रिजर्वजेंसलस में एम का शेयर निकाल चुके हैं हम लोग सिर्फ चार सौ रुपये का वर्किंग नोट वन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ चार हजार चार ठीक है ना और एच का हम बैलेंस देख रहे थे पी एंड एल में कितना बैलेंस एच का है पंद्रह हज़ार सब्सिडरी में हमारा लॉस में शेयर है चौबीस सौ ये चौबीस सौ इससे माइनस होगा प्रॉफिट में हिस्सेदारी होगी तो लॉस में भी होगी क्योंकि सब्सिडी हमारे कंट्रोल में यानी उसका लॉस हमारा लॉस तो ये बचेगा कितना बारह हज़ार सौ एंड देन वी मेक द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा जो सिर्फ होल्डिंग का पंद्रह हज़ार रिजर्व्स एंड प्लस आपके कितने आएंगे जो हमने निकाले हैं बारह हज़ार सौ माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा चार हजार चार सौ लोन का टोटल लगा देंगे आप लोग पंद्रह और चार उन्नीस हज़ार नॉन करेंट असेट्स सिर्फ सब्सिडरी में हैं 5,000 हज़ार के और करंट असेट हैं तीस और दस चालीस हज़ार के इसके पहले हम लिखेंगे गुडविल 6,000 हज़ार और करंट असेट्स चालीस हज़ार ये फिफ्टी वन थाउजेंड हमारा क्या आ गया बैलेंस शीट का टोटल ठीक है दिस इज़ द वे वी विल मेक इट सिंपल सर कुछ भी नहीं था इसमें क्यों कराया ये तो ऐसे ही हो जाता बिल्कुल सही बात बोली आपने आ, ये कराया इसलिए ताकि आप अगला केस समझ सको और अगले केस में क्या होगा सब्सिडरी में होंगे लॉसेस और भयंकर लॉसेस और इतने ज्यादा लॉसेस की सब्सिडरी की नेटवर्थ ही नेगेटिव हो जाएगी राइट right? तो सब्सिडी की नेटवर्थ नेगेटिव हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी सब्सिडी की नेटवर्थ तो आप देखिए आज सब्सिडी का शेयर कैपिटल कितना है और रिजर्व कितने एक यानी आप टोटल देखें तो ग्यारह हजार उसकी आज नेटवर्थ है लेकिन अगर लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हो सकता है उसकी नेटवर्थ नेगेटिव हो जाए नेक्स्ट केस इज अबाउट दैट ओनली चलिए नेगेटिव नेटवर्थ यहाँ पे आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी नेगेटिव हो सकता है राइट चलिए लेट्स सी दिस केस वन बेसिक कंसोलिडेशन ऑफ प्री पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स सब केस वन ही चल रहा है पहले प्रॉफिट्स का केस देखा फिर प्रॉफिट्स के बाद लॉस अब लॉस में नेगेटिव नेट वर्थ, नेगेटिव नेट वर्थ. देखें, होल्डिंग पंद्रह अठारह लोन पंद्रह इन्वेस्टमेंट पंद्रह हजार एक चार पंद्रह सिक्सटी परसेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर थर्टी थ्री के एसेट्स से सब्सिडरी की बैलेंस शीट अच्छा इस बार बैलेंस शीट इकतीस मार्च सत्रह की है एक्विजिशन एक चार पंद्रह का यानी एक्विजिशन के कितने एक साल बीत चुके हैं दो साल फिफ्टीन 16 एंड सिक्सटीन 17 जो हमारा प्रॉफिट रहा होगा एक चार पंद्रह पे वो प्री सब्सिडरी का जो प्रॉफिट एक चार पंद्रह पे था वो प्री और पंद्रह सोलह सोलह सत्रह पोस्ट चल सब्सिडरी शेयर कैपिटल दस ओपनिंग पांच ये कब का होगा ओपनिंग एक चार पंद्रह का पंद्रह सोलह हमारे लिए पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है सोलह सत्रह भी पोस्ट एक्विजिशन ये दोनों में लॉस हुए इनफैक्ट मैंने क्या किया है जो पिछला क्वेश्चन है ना उसी को एक साल आगे बढ़ा दिया पिछले क्वेश्चन में चार हजार के लॉस थे एक साल आगे बढ़ा के पंद्रह हजार का लॉस और बढ़ा दिया तो अब टोटल लॉसेस दो साल के पोस्ट एक्विजिशन हो गए उन्नीस हजार ये माइनस है यानी कि नेट आपका कितना हो गया माइनस फोर्टीन थाउजेंड और माइनस फोर्टीन जब आप देखोगे तो इसकी नेटवर्थ माइनस चार हजार हो गई लोन उन्नीस हजार का है लोन बढ़ गया है क्योंकि तो लॉसेस बढ़ गए हैं तो उधारी पे जी रही है कंपनी और नॉन करंट ठीक है अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है माइनॉरिटी शेयर होल्डर है लाइबिलिटी टूवर्ड्स द कंपनी इसका क्या यूज है वो अपन समझेंगे पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं हम हमारा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स का एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट वापस से सिंपल सा बनेगा जिसमें हम सब्सिडरी के प्रॉफिट्स के एनालिसिस करेंगे एंड वील टेक द पी एंड एल बैलेंस ऑन क्लोजिंग डेट इकतीस मार्च दो हजार सत्रह जो हमने देखा था इकत्तीस मार्च दो हज़ार सत्रह को कितना है माइनस फोर्टीन थाउजेंड इसमें प्री एक्विजिशन पीरियड का हमारा देखा जाए तो पाँच हज़ार का प्रॉफिट था लेकिन पोस्ट एक्विजीशन में हमने दो बार लॉस इनकर किए पंद्रह सोलह और सोलह सत्रह चार हज़ार और पंद्रह हज़ार तो पोस्ट एक्विजिशन में हमारा लॉस हो गया चार और पंद्रह उन्नीस हजार का लॉस है प्लस पांच माइनस उन्नीस इज इक्वल टू तो टोटल तो फोर्टीन थाउजेंड कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं क्वेश्चन में अपन तो शेयर निकालते हैं एच लिमिटेड का वही सिक्सटी परसेंट शेयर है वो कितना हो जाएगा तीन हज़ार और ये सिक्सटी परसेंट में हमारा शेयर हो जाएगा कितना सिक्सटी परसेंट ऑफ नाइनटीन थाउजेंड विल बिकम इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड का लॉस में शेयर यहाँ कुछ नहीं लिखते माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखते हैं टोटल कॉलम में क्योंकि तो माइनॉरिटी में हमें प्री पोस्ट से ज़्यादा मतलब किससे है टोटल से पर होल्डिंग में हमें मतलब किससे होता है प्री और पोस्ट से तो फोर्टी परसेंट ऑफ दिस विल कम आउट टू फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अब देखो क्या करेंगे कूल <coughs> cool. क्या करेंगे स्टेप लगाओ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा बताइए अरे इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट कितना है पंद्रह हजार शेयर कैपिटल कितनी मिली है मुझे वही दस हजार की शेयर कैपिटल है सब्सिडरी की उसमें मेरा स्टेक कितना है सिक्स थाउजेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में हमने हमारा स्टेक तीन हजार का निकाला है अदर्स कुछ है नहीं टोटल कितना आ जाएगा हमारा सिक्स थाउजेंड गुडविल माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिस इज इंटरेस्टिंग नाउ, टेन थाउजेंड का फोर्टी परसेंट कितना आता है चार हजार रिजर्व इन सप्लस में माइनॉरिटी का इंटरेस्ट हो गया माइनस हजार सौ और अगर मैं नेट निकालू तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव में आता है सोलह क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव में आ सकता है क्या नहीं क्यों पहली बात आपको याद हो हमने रिवीजन लेक्चर वन में क्या डिस्कस किया था माइनॉरिटी क्या है मैं इस ऑडिटोरियम को एक करोड़ में खरीदना चाह रहा हूं मेरे पास अस्सी लाख है या तो मैं बीस लाख का लोन ले लूं या बीस लाख रुपए मेरे दोस्त से एज ए इक्विटी लगवा लो इक्विटी लगाएंगे तो शेयर इन प्रॉफिट देंगे लोन लेंगे तो ब्याज देंगे मैंने दोस्त को बोला इक्विटी लगा दे उसने दो उसने बीस लाख रुपए इक्विटी लगा दी अस्सी लाख मैंने लगा दी क्योंकि मेरा अस्सी परसेंट है इसलिए कंट्रोल मेरा ऑडिटोरियम यूज मैं कर रहा हूँ यानी मेरी बुक्स में एक करोड़ का ऑडिटोरियम दिखेगा जिसमें अस्सी लाख मेरी कैपिटल है और बीस लाख मेरे दोस्त ने जो पैसा लगाया है वो माइनॉरिटी की कैपिटल अब समझिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी पूरी काबिलियत से ये पूरा का पूरा एक करोड़ डुबा दिया टैलेंट एक करोड़ डुबाना छोड़िए अपन ने बीस लाख का नुकसान और कर दिया टैलेंट तुमने तो एक करोड़ बीस लाख का नुकसान कर दिया अब जो मेरे दोस्त ने बीस लाख रुपए लगाए थे वो तो उसके पूरे डूब गए इक्विटी थी तो उसका कोई राइट तो ही नहीं पैसे मांगने का और जो 20 लाख का नुकसान और हुआ है आप बताओ क्या मैं उसको बोल सकता हूं भाई इसमें भी 16 लाख का शेयर दे नहीं क्योंकि उसने कैपिटल लगाई है उसकी लाइबिलिटी क्या है लिमिटेड तो उसकी लिमिटेड टू दी एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस बाई वो पैसे सिर्फ कब लगाता जब उसकी खुद की कोई पर्सनल लाइबिलिटी होती है पैरा ट्वेंटी सिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल नॉट बी शोन इन नेगेटिव अनलेस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है लाइबिलिटी टू पे दी ऑप्लीकेशन सच लाइबिलिटी में अराइज इन केसेस वेयर ए माइनॉरिटी का कोई पर्सनल गारंटी दिया हुआ है बैंक को जहां से लोन लिया गया माइनॉरिटी शेयर होल्डर के अंदर पर्सनल लाइबिलिटी सॉरी पर्सनल गारंटीज और बी माइनॉरिटी के पास पार्टली पेड शेयर है तो मैं जितना उसका पेड अप पेडअप अप शेयर कैपिटल है उतना तो उससे डिमांड कर सकता हूं उस हद तक फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव होगा और अगर नेगेटिव होगा तो फिर उसको बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नेगेटिव के रूप में इक्विटी एंड लाइबिलिटी में दिखाया जाएगा असेट्स में शो नहीं करेगी बट वो रेयर सिचुएशन है इसलिए आप देखो अपन ने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में लिखा है माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैव नो एडिशनल लाइबिलिटी अब सवाल ये उठता है कि माइनॉरिटी की अगर लाइबिलिटी नहीं है तो ये लॉस कौन उठाएगा तो मैंने कंपनी चालू करी 80 लाख मैंने लगाए 20 लाख दोस्त ने लगाए 20 परसेंट उसका स्टेक 80 परसेंट मेरा स्टेक इस कंपनी में एक करोड़ बीस लाख के लॉस हो गए माइनॉरिटी बोले कि भैया मैं तो बीस लाख से ज़्यादा मेरे पैसे डूब गए बस ये मानूंगा कि पैसे तो कुछ दूंगा नहीं अब वो तो सिर्फ बीस का ही लॉस ले रहा है जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो कंपनी की नेटवर्थ में वो तो सिर्फ अपनी कैपिटल को जीरो कर रहा है जबकि मेरी कैपिटल जीरो ही है और बीस का लॉस और हुआ है ये जो पूरा एक्सेस लॉस हुआ है नेटवर्क नेगेटिव होने के बाद जितना लॉस हुआ है ये पूरा का पूरा लॉस कौन बुक करेगा होल्डिंग अपनी बुक्स में ऐसे देखा जाए ना तो मैं भी लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं सब्सिडरी में एक करोड़ रुपए लगे एक करोड़ जीरो हो गए तो मेरा पैसा भी जीरो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का भी पैसा जीरो उसके बाद समझो बीस लाख का लॉस और हुआ तो ना तो मुझे पैसे देना है ना माइनॉरिटी को यानी मैं भी लाइबल नहीं हूं वो भी नहीं है बट कंसोलिडेशन में वो पूरा एक्सेस लॉस कौन उठा लेता है होल्डिंग इसका कारण क्या है कि हमारा ऑब्वियसली सब्सिडरी में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है हम ये कहेंगे कि चलो आज ये लॉस हम उठा लेते हैं आगे जब प्रॉफिट होंगे ना बीस लाख के तो वो पूरे पहले हमारे होंगे उसके बाद जो प्रॉफिट होंगे

दस हजार के शेयर में चालीस परसेंट से चार हजार वो चार हजार तक का लॉस अगर होता तो माइनॉरिटी क्या करती उठा लेती यानी दस हजार की कैपिटल में 10 का लॉस होता तो माइनॉरिटी के चार हजार डूब गए पर लॉस चौदह हजार का हो गया चार हजार का एक्सेस लॉस है इसमें माइनॉरिटी का चालीस परसेंट शेयर सोलह सो आता है जो सोलह सो आपको यहां दिख रहा है ये माइनॉरिटी खुद बियर नहीं करेगी लॉस बी adjusted from consolidated कंसॉलिडेटेड of H Limited तो ये यह यहाँ पे एडबैक होके माइनॉरिटी इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा और कंसोलिडेटेड रिजर्व इन सप्लस में इसको माइनस करेंगे तो होल्डिंग का खुद का रिजर्व कितना है देखिए आप पी एंड एल अठारह हज़ार है शेयर इन सब्सिडी हमारा पोजीशन शेयर कितना है ग्यारह हजार चार सौ के लॉस इसके अलावा हमें और कितना माइनॉरिटी एक्सेस लॉस बियर करना है सोलह सौ सो सब मैं बियर करूंगा तो इफेक्टिवली ये क्या हो जाएगा तेरह हजार का लॉस हो जाएगा हमारा पांच हजार के ही हमारे प्रॉफिट्स बचेंगे अगर होल्डिंग के कभी प्रॉफिट इनसफिशेंट होते तो होल्डिंग का पी एंड एल नेगेटिव में आ जाता ठीक है आई होप द एडजस्टमेंट इज़ क्लियर वाई डू वी डू इट नाउ लेट अस सी इक्विटी शेयर कैपिटल कितने पे आएगी फिफ्टीन थाउजेंड कंसॉलिडेटेड रिजर्व एंड सप्लस जिसको आप पी एंड एल बोल रहे हो क्या आएगा पाँच हजार सॉरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आएगा नील लोन कितने पर आएगा पंद्रह और उन्नीस बढ़ गया लोन लॉसेस होने के कारण थर्टी फोर थाउजेंड नॉन करंट असेट्स गुडविल करंट असेट्स नॉन करंट असेट्स हमारी तो कुछ नहीं है इसकी पांच और करंट एसेट थर्टी थ्री और टेन फोर्टी थ्री पांच फोर्टी थ्री छः की गुडविल ये हमारी बैलेंस शीट है टैली हो रही है क्या होगी वो तो अब चाहो तो कैलकुलेटर चेक कर लो ये प्रेजेंटेशन है तो एम आई एक्सेस लॉस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम होल्डिंग शेयर ठीक है ये होल्डिंग के शेयर से माइनस हो जाएगा कारण लॉजिक माइनॉरिटी भी अर्निंग करेगी उसको हम असेट या उससे रिसीवेबल या नेगेटिव इंटरेस्ट माइनॉरिटी का शो नहीं करेंगे होल्डिंग अभी बियर कर लेगी लीगली भले ही होल्डिंग बाउंड नहीं है पर फिर भी कर लेगी क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म स्टेक है अल्टीमेटली उसी को सब्सिडी को रिकवर कराना इस तरह का इसको कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करके देखा जाता है ठीक है चलिए तो हमारे केसेस ऑन कंसोलिडेशन में अगर आप देखेंगे तो ये पहला केस था हमारा बेसिक तीन केसेस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन लॉसेस और नेगेटिव नेटवर्क अब इसमें ये जरूर हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल यह है कि की की सर यू मे अ क्वेश्चन इन योर माइंड दैट सर कभी सब्सिडरी में सब्सिक्वेंटली प्रॉफिट्स होते हैं तो प्रॉफिट पूरे किसके होते हैं तो जो एक्सेस लॉस होल्डिंग ने बियर किया है वो पूरा वो ले लेता और बाकी में होल्डिंग माइनॉरिटी शेयर कर लेती तो इसके लिए डन डानेस एक क्वेश्चन नंबर फोर दिया है जिसको मैं चाहूंगा कि आप लोग सॉल्व करें जिसमें सब्सिडी में बाद में अपन ने क्या कमवा दिए हैं प्रॉफिट्स तो ओपनिंग में लॉस थे नेगेटिव नेटवर्थ थी और बाद में प्रॉफिट होने से नेटवर्थ पॉजिटिव हो गई ऐसी सिचुएशन में क्या होगा आई थिंक यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन आई एम श्योर की यूल बी एबल टू डू दिस ठीक है चलिए अब केस टू पर आते हैं केस टू हमारा किसके ऊपर था केस टू वॉज ऑन डिविडेंट्स डिविडेंट किससे बांटे जा सकते हैं आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ठीक है इस केस को डिस्कस करेंगे ब्रह्मास्त्र खोलेंगे और आएंगे केस टू डिविडेंड्स। पहले तो आप डिविडेंड का फंडा सुन लो सब्सिडरी अगर डिविडेंड बांट दे तो क्या होगा बहुत ही बढ़िया हो जाएगा एक्चुअली कंसोलिडेशन करने की एक सबसे बड़ी ज़रूरत का कारण ही सब्सिडरी का प्रॉफिट को नहीं बांटना है क्या बोले सर देखो सब्सिडरी ने प्रॉफिट कमाया ठीक ये जो प्रॉफिट सब्सिडरी ने अन किया है अगर ये सब्सिडरी कमा के ना बांटे तो होल्डिंग के स्टैंडलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस प्रॉफिट का हिस्सा आएगा ही नहीं क्योंकि शेयर्स पे इनकम होती है डिविडेंड जो बुक होती है मिलने पर ना कि सब्सिडरी के कमाने पे। आपके पास रिलायंस के शेयर है तो आप रिलायंस ने जो प्रॉफिट इस साल कमाए हैं उसमें आप अपना परसेंटेज शेयर होल्डिंग निकालकर लगाकर अपनी बुक्स में इनकम बुक नहीं करोगे जितना डिविडेंड मिलेगा उतनी बुक करोगे होल्डिंग भी ऐसा ही करती है पर अगर रिलायंस अपने सारे प्रॉफिट बांट दे तो ऑटोमेटिकली आपके पास उन सारे प्रॉफिट में जो आपका शेयर है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा डिविडेंड के नाम से और आप उसको बुक्स में इनकम बुक कर लोगे ऑब्वियसली आफ्टर डिडक्टिंग डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों आज तक तो एग्जाम में कभी डीडीटी का क्वेश्चन आया नहीं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कि सब्सिडी ने डिविडेंड बांटा और उस पर डीडीटी टी कटाया लेकिन प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन ऐड किया गया है जिसमें डीडीटी है तो उस सेंस में इट्स एन इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट इन फैक्ट डीडीटी का इनफैक्ट एक बहुत ही बेसिक सा एडजस्टमेंट पूछा गया था एग्जाम में आई थिंक सम टू अटेम गो बट डीडीटी कैन बी एन इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट हवेवर लेट्स स्किप फॉर द टाइमिंग अभी हम जो डिविडेंड की बात कर रहे हैं दैट इज विदउट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो अगर सब्सिडरी डिविडेंट पूरा बाढ़ दे तो होल्डिंग अपनी बुक्स में ऑटोमेटिकली अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बुक कर लेगी और अगर होल्डिंग अपने आप अपनी बुक्स में अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बुक कर लेगी तो क्या होगा हमें कंसोलिडेटेड रिजर्व्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पर ऐसा होता नहीं है सब्सिडी के कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो रहते ही हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और वो होल्डिंग का शेयर उसमें होल्डिंग की बुक्स में नहीं आता है इसलिए कंसोलिडेट करके उसके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में हम, हम हमारा शेयर जोड़ लेते अब एक चीज समझो सब्सिडरी ने डिविडेंड बा तो क्या होता है कुछ भी नहीं सब्सिडरी अगर डिविडेंड बांटे तो क्या गुडविल कंसोलिडेटेड रिजर्व चेंज होंगे क्या नहीं क्यों समझो यू समझो कि सब्सिडरी के हमारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ये पॉकेट में रख रखे मैंने ये सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजेशन प्रॉफिट ठीक बात है अब आप समझिए सपोज सब्सिडरी के ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स क्या होते हैं सब्सिडरी <coughs> के से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कुछ करेंसी नोट निकालता हूं ठीक है सब्सिडरी के 600 रुपए के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स है ये सब्सिडरी ने अभी कमाए हैं कब होल्डिंग ने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद तो ये पीएंडल में अनडिस्ट्रीब्यूटेड यहां रखे हुए हैं सब्सिडरी के पीएंडल में जमा है ठीक अब सब्सिडरी इससे क्या कर रही है पूरे छह सौ का डिविडेंड बांट रही है बहुत बढ़िया बात है तो क्या होगा देखो यू समझो मेरे दो पॉकेट द टू पॉकेट्स इन माएंगे उाउर आर प्रॉफिट्स ऑफ और पॉकेट्स ऑफ होल्डिंग ठीक है दिस पॉकेट इज प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कौन से पोस्ट प्रॉफिट, ठीक? अब क्या हुआ समझिए सब्सिडरी ने जो उसकी बुक्स में पी एंडल बैलेंस शीट में छह सौ रुपए का प्रॉफिट आ रहा था वो प्रॉफिट सब्सिडरी ने निकाला और ये छह सौ रुपए सब्सिडरी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पूरे के पूरे ठीक है समझो होल्डिंग का फाइव बाई सिक्स शेयर है और सब्सिडी सॉरी सब्सिडी में होल्डिंग का फाइव शेयर है और माइनॉरिटी का वन बाय सिक्स शेयर है क्या होगा जैसे ही सब्सिडरी ये छह सौ रुपए अपने पी एंडल से निकाल के बांटेगी पांच सौ रुपए किसकी पॉकेट में यहां से चले जाएंगे होल्डिंग की पॉकेट में ये मैंने दबा लिया अपना ही पैसा 500 तो होल्डिंग अपनी पॉकेट में ले गया ये सौ किसको जाएगा क्या ये होल्डिंग के पास आएगा क्या नहीं आएगा ये सौ किसके पास चले जाएगा माइनॉरिटी के पास अब आप समझो क्या हुआ सब्सिडरी ने जब तक प्रॉफिट बांटे नहीं थे यानी समझो प्रॉफिट अभी भी यहीं रखे हुए हैं 600 के तो क्या होता था जब होल्डिंग खुद की बैलेंस शीट देखता था तो उसमें सब्सिडरी के प्रॉफिट नहीं होते थे लेकिन जब वो कंसोलिडेट करता था तो सब्सिडरी के छह में उसका पांच वो अपने पी एंडल में जोड़ देता था और सौ किस में डाल देता था माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्योंकि उसका होता था अब इसी बात है तब सब्सिडरी के पास कैश कितनी थी 600 तो सब्सिडरी की बैलेंस शीट सोचो सब्सिडरी की बैलेंस शीट देखिए सब्सिडरी की बैलेंस शीट में क्या हो रहा है इन द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी व्हाट इज हैपनिंग सब्सिडी uh, की बैलेंस शीट में पी एनडल छ जब कैश कंसोलिडेट करता तो कैश 600 की 600 पूरी आ जाती और पी एनडल छ में से फाइव बाय सिक्स होल्डिंग का है तो वो फाइव बाई सिक्स पी एन एल में आ जाता होल्डिंग के और वन बाय सिक्स सब्सिडरी का है सॉरी माइनॉरिटी का है तो वो माइनॉरिटी में आ जाता यानी सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड कैश प्रॉफिट ये 600 की कैश कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 600 आ गई और ये 600 का पीएनडल पांच होल्डिंग के पी एंडल में जुड़ गया सौ माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड हो गया ये कब जब 600 कैश और 600 प्रॉफिट है लेकिन मैंने तो पूरे प्रॉफिट बांट दिए तो कैश कितनी हो गई जीरो अब अगर कैश जीरो हो गई तो कैश जीरो और पी एंडल भी जीरो अब कैश जीरो और पी एंडल जीरो दोनों जीरो हो गए तो आप बताइए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये दोनों जीरो ऐड होंगे तो क्या होंगे दे विल बी जीरोस ओनली नथिंग विल हैपन कुछ भी नहीं होगा यानी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है पर एक बात समझो आप बोलोगे सर इससे तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट चेंज हो गए नहीं हुए ना दोस्त आप देखो जब यहाँ पे वापस निकालो रे छो रुपए थे छह सौ रुपये जब यहाँ थे तो मैंने बताओ इन छह सौ में से कितना ऐड किया था कैश छ सौ पूरी और प्रॉफिट 500 होल्डिंग में और 100 माइनॉरिटी में अब जब ये 600 निकल गए और 500 होल्डिंग के पास चले गए तो होल्डिंग का पी एंड एल तो अपने आप ही 500 से बढ़ गया यानी नहीं बटा था तो 500 मैंने बाद में बढ़ाया बट चुका है तो पहले से ही होल्डिंग का प्रॉफिट 500 से बढ़ा हुआ है यानी होल्डिंग के प्रॉफिट में 500 तो दोनों केस में आएंगे सब्सिडरी बांटे या ना बांटे तो सब्सिडरी का अगर जीरो है तो होल्डिंग का 500 बढ़ा हुआ है सब्सिड्री में अगर 600 है तो उसका शेयर होल्डिंग का पांच सौ अपन ऐड करेंगे यानी होल्डिंग में तो पाँच सौ दोनों केस में एड होगा फर्क यह है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो शेयर इन सब्सिडी से एड होगा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो होल्डिंग के स्टैंड स्टैंडलोन में ही ऐड होगा फर्क क्या होता है फर्क यह है कि जब ये छह सौ यहाँ था तो कैश कितनी आ रही थी छह सौ पूरी ऐड हो रही थी होल्डिंग में आ रहा था पांच सौ पी एंड एल में और माइनॉरिटी में आ रहा था सौ पर जब ये छह सौ बढ़ गए तो यहां से कैश हो गई जीरो पी एंडल हो गया जीरो होल्डिंग में पांच सौ अदरवाइज एड हो चुका है तो एंडल में एड करने की जरूरत नहीं है लेकिन अब माइनॉरिटी में सो एड नहीं होगा क्योंकि ये जीरो है एक और चीज ये छह सौ रुपए की कैश जो यहां पर थी ये ना से निकल के होल्डिंग की पॉकेट में गई तो आप बताइए ग्रुप की बैलेंस शीट में कितनी कैश है छह में से पांच ग्रुप के एंडल में कितना प्रॉफिट है छह में से पांच सौ सिर्फ सौ जो माइनॉरिटी का स्टेक था वो चले गया बाहर माइनॉरिटी शेयर होल्डर को यानी फाइनल इफेक्ट डिविडेंड बटने से सिर्फ इतना सा होता है कितना सा कि जो माइनॉरिटी का स्टेक होता है कितना माइनॉरिटी का स्टेक होगा जो माइनॉरिटी का सौ रुपए का स्टेक था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में वो बढ़ गया यानी यूं समझ लो डिविडेंड बटने से सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट सौ से कम हो गया और हमारी ग्रुप की कैश सौ से कम हो गई क्योंकि पांच सौ रुपए तो यहां से निकल के होल्डिंग के पॉकेट में चले गए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दोनों पॉकेट एड होती है सौ रुपए यहां से निकल के माइनॉरिटी को चले गए क्योंकि ये सौ पहले यहां थे इसलिए बैलेंस शीट में ऐड हो रहे थे अब ये यहां नहीं है तो ये ऐड नहीं हो रहे यानी डिविडेंड बांटने से सिर्फ एम पे फर्क आएगा एम का शेयर उसको दे दिया यानी वो समझो ना बाहर वालों को उनका पैसा दे दिया तो अब उनका स्टेक हमारे बिजनेस में कम हो गया बाकी हमने जो अपना पैसा खुद लिया उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा लेकिन सर एक बात बताओ ये तो तब होगा जब डिविडेंड अपन ने सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के बांटे प्री बांटे तो क्या होगा तो भी यही होगा समझना? अगर सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट सब्सिडरी बांटती है तो समझते नहीं बांटती तो क्या होता सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होते छे सौ सही है अनडिस्ट्रीब्यूटेड ये कहा जाते सीओ में प्री एक्विजिशन है तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जब हम कैलकुलेट करते तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करते समय हम कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से क्या माइनस कर देते कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करते समय हम कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से क्या माइनस कर देते हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है उसमें सब्सिडी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट पांच मैंने कमाए हैं तो वो पांच में माइनस कर देता हूं ठीक है तो मैं क्या मानता कि जो सब्सिडरी मैंने खरीदी है उस सब्सिडरी में मेरा क्या है 500 का खरीदा हुआ प्रॉफिट है तो गुडविल निकालते समय 500 शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के नाम से माइनस हो जाता ठीक है दोबारा बोलता हूँ ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है आई रिपीट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में होल्डिंग का शेयर क्या होता कैरिंग अमाउंट से हम सी सी ने माइनस कर देते ये बोल के कि ये प्रॉफिट मैंने खरीदा है किससे सब्सिडरी से गुडविल कम हो जाता अब अगर सब्सिडी ये 500 निकाल के होल्डिंग को देगी तो मालूम है होल्डिंग क्या करेगी होल्डिंग इसे अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से कम करेगी क्योंकि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा मैंने किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदा और उस डिबेंचर पर छह महीने का ब्याज इकट्ठा हो गया था बताओ जब मुझे वो ब्याज मिलेगा तो मैं उसे अपनी बुक्स में इनकम दिखाऊंगा या डिबेंचर की कॉस्ट से कम करूंगा कॉस्ट से कम करेंगे क्योंकि अगर डिवेंचर कम इंटरेस्ट खरीदा है तो जो इंटरेस्ट प्री एक्विजिशन पीरियड का होता है वो कॉस्ट से माइनस होता है सेम इसी तरह से जब मैं सब्सिडरी के इक्विटी शेयर खरीदता हूं उस दिन उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो मैंने खरीदे हैं जिस दिन वो प्रॉफिट मुझे मिलेगा मैं उससे कॉस्ट कम करूंगा लॉजिक ये है कि जिस दिन मैंने सब्सिडरी के शेयर खरीदे उस दिन उसके प्रॉफिट ज्यादा थे तो मैंने पैसे ज्यादा दिए उसके प्रॉफिट ज्यादा तो मैंने पैसे क्या दिए सब्सिडरी को ज्यादा इसलिए जब वो प्रॉफिट सब्सिडरी बांटेगी तो मैं क्या मानूंगा कि जो मैंने पैसे दिए थे उसमें से एक पार्ट रिकवर हो गया तो सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मिलने पे हम उसे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से कम करते अब आप लॉजिकली समझिए क्या हो रहा है देखें ये हमने फॉर्मूला बनाया था प्री एक्विजिशन प्रॉफिट पहले कहाँ आ रहे थे दोस्त ये शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आप देखें शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को जब हम सीओसी निकालते हैं तो क्या करते थे सीओसी निकालते समय शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हम मानते थे सब्सिडरी की इक्विटी का पार्ट है तो ये इक्विटी में से हम टोटल लगा के कॉस्ट से माइनस करते थे तो गुडविल कम होता था जब ये शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो इसमें हमारा शेयर कम हो जाएगा पर इधर हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा इसीलिए आप देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर आप गुडविल का कैलकुलेशन डिस्कस करोगे सी ओ सी ई कैसे निकाला जाता है पढ़ोगे तो एस ट्वेंटी वन पैरा थर्टीन बोलता है कि वाइल्यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इफ़ द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉस्ट यू शुड कंसिडर द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने इन्वेस्टमेंट जब किया था तो सौ रुपए था बाद में सब्सिडरी से मुझे डिविडेंट में हिस्सा मिला पर कौन से डिविडेंट में हिस्सा मिला विच रिलेटेड टू प्रॉफिट विच वर परचेस्ड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो मैंने आज सब्सिडी के सौ रुपए के शेयर खरीदे इमीजिएटली अगले ही दिन सबसिडी ने पिछले प्रॉफिट में से मुझे पांच रुपए का डिविडेंड दे दिया तो मैं अपनी कॉस्ट सौ रुपए में से पांच कम करके मेरा कैरिंग अमाउंट बोल दूंगा नाइन्टी फाइव अगर सब्सिडरी ये पाँच नहीं बांटती तो कॉस्ट कितनी होती सौ पर मेरा प्री एक्विजीशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में शेयर कितना होता पाँच जैसे ही ये पाँच बढ़ गया मेरा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में शेयर हो गया ख़त्म लेकिन मेरी कॉस्ट भी सौ से हो गई नाइनटी फाइव इसका मतलब इफेक्टिवली जो चीज़ पहले यहां बढ़ी हुई थी यहां पर भी बढ़ी हुई थी जब ये यहां से कम हो गई तो इधर से भी कम हो गई गुडविल पर मेरा कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ऑल इन ऑल एक चीज़ समझ लो दोस्तों डिविडेंड बटने से ना गुडविल चेंज होती है ना कंसोलिडेटेड रिजर्व अगर चेंज होता है तो सिर्फ माइनॉरिटी का इंटरेस्ट जितनी की जितनी सॉरी क्या बोला मैंने डिविडेंड्स डिविडेंड बटने से ना गुडविल चेंज होती है ना कंसोलिडेटेड रिजर्व क्योंकि पैसा सब्सिडी की पॉकेट में रही या होल्डिंग की एक ही बात है फर्क पड़ता है डिविडेंड बटने से सिर्फ जो माइनॉरिटी का शेयर होता है उतनी कैश बिजनेस से बाहर चली जाती है और उतना माइनॉरिटी का स्टेक बिजनेस में कम हो जाता है दैट्स द ओनली एडजस्टमेंट व्हिच हैपेंस व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स ठीक है चलिए तो अब वन डिविडेंड वाला केस देखते हैं <coughs> चलो कंसोलिडेशन एक लंबा डिस्कशन होता है रिवाइज करना इट्स अ लेंडी एफर्ट एनीवेज लेट्स कम टू डिविडेंड्स टू डिडेंट चलो देखते हैं थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्स होल्डिंग सब्सिडरी कैपिटल पंद्रह हजार का पी बार अस्सी परसेंट स्टेक एक अप्रैल पंद्रह दस हजार का इन्वेस्टमेंट पच्चीस हजार की शेयर कैपिटल दस हजार ओपनिंग पीएनडल दो करंट ईयर के प्रॉफिट्स तीन नॉन करंट एसेट पांच करंट एसेट दस ये हमारी बैलेंस शीट है 2000 को आप क्या मानना पसंद करोगे प्री एक्विजिशन ओपनिंग है एक चार पंद्रह ओपनिंग डेट पे एक्विजिशन हुआ पंद्रह सोलह हमारा क्या है पोस्ट अब क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट केस वन एस डिक्लेयर्ड एंड पेड 20 परसेंट डिविडेंड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट अकाउंटिंग ऑफ विच इज पेंडिंग अच्छा एस ने 20 परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर करके पे कर दिया है परंतु इसकी अकाउंटिंग अभी होना बाकी है अकाउंटिंग होना बाकी यानी ऊपर जो बैलेंस शीट दी है उसमें इसकी अकाउंटिंग नहीं कितना डिविडेंड दिया है बीस परसेंट बीस परसेंट डिविडेंड यानी डिविडेंड किसका परसेंटेज होता है करंट ईयर के प्रॉफिट्स का है ना है ना अरे नहीं सर पेड अप शेयर कैपिटल का ओके तो बीस परसेंट अपन डिविडेंड लेंगे तो बीस परसेंट किसका लेंगे पेड अप शेयर कैपिटल दस हज़ार सब्सिडरी ने बीस परसेंट ऑफ दस हजार दो हज़ार का डिविडेंड बांटा है कहाँ से बांटा है इस साल के प्रॉफिट से तो ये जो तीन हज़ार आ रहे हैं क्या इसमें दो हज़ार माइनस हो चुका है नहीं हुआ है सर क्योंकि बोल रहे हैं अभी अकाउंटिंग करना बाकी है तो सबसे पहले तो अपन बैलेंस शीट को ही रिवाइज कर देते लेट इज फर्स्ट चेंज द बैलेंस शीट और अपन क्या करते हैं अब अब हम रंगों का प्रयोग कुछ अलग कर अलग ढंग से या करेंगे समझ लो केस वन इज रेड पूरा केस रेड में सॉल्व करते सब्सिडी जैसे ही दो हजार करंट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड बांटेगी उसका तीन हजार का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना बचेगा अब एक हजार और इधर उसके करंट असेट्स दस हज़ार से कम होकर कितने हो जाएंगे आठ हजार क्योंकि इसकी अकाउंटिंग नहीं हुई है तो अकाउंटिंग एंट्री पास करते तो पी एंड एल कम कैश कम डिविडेंड बांटने से होल्डिंग को इस एक हजार में कितना मिलेगा अस्सी परसेंट होल्डिंग इस अस्सी परसेंट का क्या करेगा इनकम बुक करेगा क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो होल्डिंग को कितना मिलता दो हजार सॉरी बीस परसेंट डिविडेंट है ना दो तो हजार का अस्सी परसेंट यानी कितना मिलता होल्डिंग सोलह सौ रुपए पंद्रह हजार से बढ़ के हो जाता सोलह हजार छ सौ रुपए मुझे प्रॉफिट मिल गए तो मेरा पी एंडल बढ़ गया डिविडेंड इनकम हो गई और मेरी कैश भी बढ़ जाती कितने से सोलह सौ सो रुपए से तो छब्बीस छः सौ मेरी कैश हो जाती है माइनॉरिटी को दो हज़ार में कितना मिलता बीस परसेंट चार सौ और उतने से होल्डिंग की बुक्स में कुछ भी नहीं होता अब इसके बेसिस पे आपको बैलेंस शीट कंसोलिडेट करना है तो लेट अस सी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसी बनेगी कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है दस हज़ार ठीक है मैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट नहीं बना रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट क्विकली शेयर कैपिटल कितनी है सब्सिडी की दस हजार है उसमें कितना स्टेक है अपना अस्सी परसेंट पर यह प्रॉफिट अभी भी कितने हैं दो हज़ार का अस्सी परसेंट सोलह सौ गुडविल कितनी आ रही है चार सौ माइनॉरिटी का इंटरेस्ट क्या है शेयर <coughs> कैपिटल है दस हज़ार का बीस परसेंट और रिजर्वजेंस टोटल मिला लें तो कितने हो जाएंगे तीन हजार का बीस परसेंट छह सौ दो हजार छब्बीस सौ एच का बैलेंस अब बढ़ के हो गया पंद्रह हजार से सोलह हजार छह सौ जिसमें शेयर इन एस लिमिटेड हमारा इस लिमिटेड में अब शेयर कितना है तो अब इसके प्रॉफिट एक हज़ार ही बचे उसका एटी परसेंट आठ सौ सत्रह हज़ार चार सौ इंसॉलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अब हमारा होल्डिंग का वही बीस का बीस राइट right. कंसॉलिडेटेड एंड सप्लस पी एंड एल होल्डिंग के खुद के कितने हैं सोलह हज़ार छः सौ और आठ सौ एड किए तो सत्रह हज़ार चार सौ माइनॉरिटी इंटरेस्ट दो हज़ार छः सौ लाइबिलिटी कुछ है नहीं क्वेश्चन में नॉन करंट असेट्स होल्डिंग में है नहीं सब्सिडरी में है पाँच हजार के गुडविल चार सौ करंट असिट्स आठ हजार हो गई है और ये हो गए छब्बीस हजार छह सौ थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये हो गई हमारी बैलेंस शीट जब सब्सिडी ने क्या किया डिविडेंड बांटा कहां से बांटा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अब देखो दो मिनट के लिए डिविडेंड नहीं बढ़ता तो भी क्या होता समझना हा? नहीं बढ़ता डिविडेंड तो सब्सिडी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होते तीन होल्डिंग के होते पंद्रह तीन हजार में अपना अस्सी परसेंट स्टेक पंद्रह प्लस अस्सी परसेंट ऑफ तीन हजार दो हजार चार सौ कितना आता सत्रह अभी भी कितना आ रहा है सत्रह गुडविल देखते हैं गुडविल तो ऐसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने दस हज़ार में ख़रीदा और उसके बदले में दस हज़ार का अस्सी परसेंट और दो हज़ार का अस्सी परसेंट मिला यानी आठ हज़ार और सोलह सौ नौ हज़ार छः सौ दस हज़ार के बदले में नौ छः सौ तो चार सौ की गुडविल सेम आती फ़र्क सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट पर पड़ता देखो अगर डिविडेंड नहीं बटा होता तो ये पाँच और ये दस माइनॉरिटी का पंद्रह हज़ार में बीस परसेंट स्टेक होता कितना तीन हज़ार अभी देखो माइनॉरिटी का स्टेक कितना आ रहा है छब्बीस सौ कितना कम आ रहा है चार सौ क्या है ये चार सौ इस साल जो दो हजार रुपए का डिविडेंड बांटा गया है उसमें माइनॉरिटी का ट्वेंटी परसेंट स्टेक था चार सौ ये चार सौ एम आई से कम हो गया और चार सौ की कैश कम हो गई कैश कैसे कम हुई देखो अगर डिविडेंड नहीं बटता तो दस प्लस पच्चीस पैतीस हजार होता करंट असेट ये दस पूरे और ये पच्चीस पूरे थर्टी फाइव अभी देखो कितना आ रहा है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 35 की बजाय 34600 400 से करंट असेट कम 400 से माइनॉरिटी इंटरेस्ट कम खत्म रिवीजन में मेरे लिए आपको यह समझाना ज़्यादा ज़रूरी है कि डिविडेंड का इफेक्ट सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे जाता है अगर आपको ये समझ में आएगा तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगी कभी भी क्वेश्चन में डिविडेंड आए तो आपको गुडविल कैपिटल रिजर्व या कंसोलिडेटेड रिजर्व में परेशानी नहीं होगी बस ये ध्यान रखना होगा कि एम का शेयर कम हो जाएगा ठीक है ये जो अपन ने रेड में सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया है? ये सोच के कि डिविडेंड किससे बताए बोलो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अब यहां पे अपन एक छोटी सी चीज समझते हैं सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा बोलता कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं बता डिविडेंड प्रपोज किया गया है। हमने सिर्फ प्रपोज किया है अभी सामने वाले ने हाँ नहीं बोला है प्रपोज किया है अब आप बताइए अगर प्रपोज करते हैं तो क्या बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कि जिसे प्रपोज किया था वो हमारे हो गए प्रपोज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना अपन अपनी बुक्स में अभी उसको रिकॉर्ड नहीं करें क्यों पिछले सेशन में आपको याद हो हमने डिस्कस किया था प्रपोज डिविडेंड के बारे में ओके एनी वेज दैट वॉज एक्चुअली एफ आर अमेंडमेंट बैच वेरी वी डिस्कस्ड इनफैक्ट आप देखेंगे यूट्यूब पे तो अपने चैनल पे एफ आर अमेंडमेंट के लेक्चर्स भी अपडेटेड है जिसमें तीन लेक्चर्स हैं आपके इंडेस टेन पीपी पी के जिसमें पूरा इंडेस कवर किया गया और दो लेक्चर्स है बाकी सारे अमेंडमेंट्स के जो एफ में हुए हैं एफ यानी अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेस इफ यू हैव ऑलरेडी डन अमेंडमेंट्स नो प्रॉब्लम अदरवाइज यू कैन रेफर दोज लेक्चर्स नाउ वॉट वी आर सींग अगर डिविडेंड प्रपोज किया गया है ना 30 मार्च 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक अमेंडमेंट करा AS4 में जिसके बाद अब को में नहीं करते डिविडेंड प्रपोज भले ही बैलेंस के बाद की इवेंट है क्योंकि होगा? 31 मार्च की बैलेंस डायरेक्टर की मीटिंग होगी फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स की उसी में प्रपोज होगा यानी ये फ्रेश इवेंट है एस पर एस फोर इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट फ्रेश इवेंट नॉर्मली अकाउंट फॉर नहीं होती है पर एस फोर में दो एक्सेप्शन थे एक अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं हो और दूसरा अगर प्रपोज डिविडेंट ये दोनों फ्रेश होने के बाद भी अकाउंट फॉर होती थी तो बैलेंस शीट में इकतीस मार्च दो हजार सोलह तक क्या होता था किसी कंपनी ने डिविडेंड प्रपोज किया तो वो अपनी बुक्स में पी एंड एल कम करता था और प्रपोज डिविडेंड नाम से करंट लाइबिलिटी शो करता था लेकिन शेड्यूल थ्री कहता है कि प्रपोज डिविडेंड को लाइबिलिटी मत दिखाओ सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दो कि प्रपोज किया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दो कितना प्रपोज है। अब क्योंकि एस शेड्यूल थ्री पे प्रिवेल करते थे तो इसलिए एस का ट्रीटमेंट फॉलो होता था लेकिन मार्च 2016 में अमेंडमेंट किया और कहा गया मार्च 2017 से जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें प्रपोज डिविडेंड को लाइबिलिटी शो नहीं करेंगे पहले अमेंडमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने किया फिर आईसीआई ने भी इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इनकॉर्पोरेट कर दिया तो अब इकतीस मार्च 2017 की बैलेंस में प्रपोज डिविडेंड नाम की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी सर अगर एग्जाम में आ गई तो तो जितना प्रपोज डिविडेंड है आप उसको जीरो कर दीजिए और उतना रिजर्व इन सरप्लस एड कर दो देखो प्रपोज डिविडेंड आया कहां से सर रिजर्व से तो रिजर्व इन सरप्लस आपके क्या हुए कम प्रपोज डिविडेंड की लाइबिलिटी बढ़ी पी एंडल टू प्रपोज आप रिवर्स एंट्री कर दो प्रपोज डिविडेंड टू पी एंडल तो उसको ट्रांसफर करके कर रिजर्व बढ़ा के क्वेश्चन सॉल्व कर दो ठीक तो इफेक्टिवली एग्जाम में प्रपोज डिविडेंड का अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ नोट्स को अकाउंट्स में लिख दीजिएगा कि कंपनी हैज प्रपोज सो मच अमाउंट ऑफ डिविडेंड बाकी कोई अकाउंटिंग इफेक्ट मत करना बिना उसका इफेक्ट दिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेना मुद्दा बेसिकली उठेगा कब जब डिविडेंड प्रपोज करने की बजाय आपको क्वेश्चन में लिख दिया दैट डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बट हैज नॉट बीन पेड जिसे प्रैक्टिस मैनुअल में अपने सवालों में कहा गया है डिविडेंड पेबल के नाम से शो किया गया अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है और पे नहीं हुआ है तो फिर तो वो आपकी लाइबिलिटी है कब डिक्लेयर हो गया बैलेंस शीट डेट से पहले सो बैलेंस शीट डेट से पहले डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होगा इंटर्म डिविडेंड ही हो सकता है तो अगर कोई इंटर्म डिविडेंड डिक्लेयर हो गया और पे नहीं हुआ ये बहुत रेयर सिचुएशन है क्योंकि डिक्लेयर करने के एक हफ्ते में तो आपको पे करना पड़ता है बट से फॉर एग्जाम्पल सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि डिविडेंड बीन डिक्लेयर्ड द इन 16, 17 बट हैज नॉट बीन पेड तो क्या होगा फिर तो आपको उसे डिविडेंड पेबल जैसे अकाउंट फॉर करना पड़ेगा फिर आपको पी एंड एल कम करना होगा और डिविडेंड पेबल की लाइबिलिटी शो करना पड़ेगी अब इस सिचुएशन में क्या ये वैसा सॉल्यूशन बनेगा जैसा पहले प्रपोज डिविडेंड के साथ होता था जब प्रपोज डिविडेंड बुक्स में लाइबिलिटी दिखती थी और क्या होता था उस समय तो यहां पे आप खुद ही समझ लो दो मिनट के लिए मानो कि ये तीन हजार के जो आप प्रॉफिट देख रहे हो इसमें से दो हजार का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया तो एक हजार बचा पर क्योंकि ये पे नहीं किया गया इसलिए आठ हजार होने की बजाय करंट असेट कितने हैं दस लेकिन यहां पे आपकी करंट लाइबिलिटी बढ़ गई कितने से दो से तो कुछ नहीं होगा पहली बात डिविडेंड डिक्लेयर्ड है तो होल्डिंग अपनी बुक्स में इसे इनकम बुक कर सकता है ए एस नाइन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है डिविडेंड शुड बी रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस और व्हेन इट इज बाय अदर कंपनी तो अगर सब्सिडरी ने डिक्लेयर कर दिया तो होल्डिंग अपनी बुक्स में इनकम दिखा सकता है तो होल्डिंग की बुक्स में डिविडेंड में जो उसका शेयर है वो तो इनकम दिखेगी करंट भी 1600 से बढ़ेंगे पर इस बार करंट बढ़ेंगे किस नाम से कैश की बजाय डिविडेंड रिसीवेबल के नाम से ठीक है अब जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो देखो सब्सिडरी की कैश तो 10 की 10 पूरी की पूरी कंसोलिडेट होगी जो पहले 8 हो रही थी तो ये दो से बढ़ गई पर इधर सब्सिडरी की लाइबिलिटी भी बढ़ गई 2000 से करंट लाइबिलिटी के नाम से ठीक बात है अब ये जो 2000 से सब्सिडरी की लाइबिलिटी बढ़ गई आप क्या करो 10000 हजार यहां ऐड कर दो 8000 की बजाय 2000 हजार यहां ऐड कर दो तो आपकी असेट 2000 से बढ़ के आ गई लाइबिलिटी भी 2000 से बढ़ के आ गई बैलेंस शीट डाली यहां सन्ट्री एसेट्स में सोलह सौ रुपए बढ़ ही चुका है पर ये क्या बढ़ा है कैश या डिविडेंड रिसीवेबल डिविडेंड रिसीवेबल पर क्योंकि ये डिविडेंड रिसीवेबल इज एन इंटर कंपनी डेट क्योंकि सोलह सो आपको जो लेना ही है ये किस नाम से लेना है आइडियली आप बुक्स में डिविडेंड रिसीवेबल दिखाने की बजाय चाहो तो क्या दिखा सकते हो मनी रिसीवेबल फ्रॉम एस लिमिटेड और ये 2000 को सब्सिडरी क्या बता सकती है मनी पेबल टू एच लिमिटेड 1600 मनी पेबल टू माइनॉरिटी चार क्योंकि ये 2000 के दो ब्रेकअप हैं क्या दो ब्रेकअप है तो दिस 2000 थाउजेंड हैज टू ब्रेकअप यहां मैं लिखता हूं सिस्टमेटिकली करंट लाइबिलिटी 2000 हजार आउट ऑफ विच होल्डिंग की है 1600 और माइनॉरिटी की है 400 सौ यहां पर हमारी बुक्स में क्या आएगा 25000 में 2000 सॉरी 1600 की क्या एसेट ऐड होगी डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम एस लिमिटेड अब एक चीज़ समझो जब आप क्लब करोगे तो 1600 की लाइबिलिटी आ रही है एस की एच के प्रति और 1600 का असेट आ रहा है एच के पास एस से ये तो सेट ऑफ हो जाएंगे यानी ये 1600 सो, ये 1600 सो कट जाएगा और ये दोनों तो कट जाने से इफेक्टिवली होगा क्या समझ में आया आपको आपकी बैलेंस शीट में सिर्फ जो माइनॉरिटी को डिविडेंड देना है वो चार की लाइबिलिटी शो हो या नहीं पिछले क्वेश्चन में हमारे करंट असेट 25,000 में 1600 की कैश आ गई थी और यहां पे करंट असेट 10,000 से 8 हो गए थे यानी 2000 से असेट्स कम हो गए थे 1600 से कैश बढ़ गई थी नेट 400 से असेट कम हुए थे इस बार क्या होगा ये 10 पूरा आएगा और यहाँ पे ये 1600 नहीं आएगा यानी आपकी असेट 8 की बजाय 10 आएगी पहले कितनी आ रही थी आठ पर वहां सोलह सौ सो की कैश किस में आ रही थी होल्डिंग यानी पहले हमारी कैश आठ हज़ार सब्सिडी और सोलह सौ सो होल्डिंग नौ छह सौ हो रही थी अब कितनी हो रही है दस क्योंकि चार सौ की लाइबिलिटी बाकी है किसके प्रति माइनॉरिटी के प्रति तो ये चार सौ रुपए की जो माइनॉरिटी के प्रति लाइबिलिटी है बस ये सुन लो क्या ये चार सौ की लाइबिलिटी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में एड होगी जो चार सौ रुपये का ये डिविडेंड पेबल है क्या ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड होगा नहीं माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड नहीं होगा उसका कारण क्या है द रीजन इज माइनॉरिटी इज अ इक्विटी एंड दिस इज अ लाइबिलिटी क्योंकि ये लाइबिलिटी है इसलिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड करने की बजाय आपको बैलेंस शीट में डिविडेंड टेबल के नाम से इस चार रुपए को लाइबिलिटी शो करना पड़ेगा इज दिस क्लियर टू एवरीबडी तो इफेक्टिवली होगा क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट चार रुपए में ऐड ना होके करंट में डिविडेंड पेबल के नाम से चार सौ रुपए पेबल टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर दिखेगा होल्डिंग को जो सोलह सौ देना है वो सेट ऑफ हो जाएगा जो होल्डिंग की बुक्स में डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा होगा उससे माइनॉरिटी को जो चार सौ देना है वो चार सौ एम आई में एड नहीं होगा क्योंकि एम आई इज इक्विटी एंड डिविडेंड पेबल इज अबिलिटी इसलिए वो अलग दिखेगा तो फाइनली आप बताओ डिविडेंड पेबल और पेड में एडजस्टमेंट में फर्क क्या होगा पेबल और पेड दोनों में कंसोलिडेटेड रिजर्व गुडविल में कोई चेंज नहीं आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जो माइनॉरिटी का डिविडेंड में शेयर है उतने से एम कम हो जाएगा अगर पेड है तो कैश ग्रुप की कम हो जाएगी पेबल है तो करंट लाइबिलिटी प्रपोज सॉरी डिविडेंड डिक्लेय के नाम से बढ़ जाएगी आया सबको समझ ये फ़र्क होगा डिविडेंड डिक्लेयर्ड और डिविडेंड पेड में डिविडेंड की तो आपको अकाउंटिंग ही नहीं होगी इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस मैनुअल में अपने सारे क्वेश्चन में क्योंकि उनका प्रैक्टिस मैनुअल जो पहले था उसमें प्रपोज डिविडेंड लाइबिलिटी दिखती थी जब अमेंडमेंट नहीं आया था अब उन्होंने 2017 में प्रपोज डिविडेंड को हटाना पड़ा क्यों क्योंकि अब वो लाइबिलिटी एक तरह से खत्म हो चुकी है तो उन्होंने क्या किया दो तरीके थे या तो प्रपोज डिविडेंड को लाइबिलिटी ना मान के पूरा सॉल्यूशन नया बनाते इसकी वजह उन्होंने जहां जहां प्रपोज डिविडेंड लिखा था वहां सब जगह लिख दिया डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड और अगर डिक्लेयर्ड लिख दिया तो वो क्या हो गई लाइबिलिटी और लाइबिलिटी हो गई यानी उसका ट्रीटमेंट कैसा हो गया जैसे पहले होता था प्रपोज डिविडेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि पी एम में इस तरह के पूरे क्वेश्चंस डिविडेंड टेबल पे बने इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फोकस करके इसको रिवीजन में आपके साथ शेयर किया ठीक है ये जो मैंने आपको बताया ये सब किससे रिलेटेड है आपका डिविडेंड कौन से डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्री एक्विजिशन से अगर डिविडेंड डिक्लेयर होगा दोस्त तो सेम ट्रीटमेंट होगा बस फर्क क्या होगा तो क्विकली मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं अगर प्री एक्विजिशन से डिक्लेयर होता तो क्या होता चलिए वापस से अब हमने फॉर्मेट कर दिया अपना क्वेश्चन और दोबारा देखा है सब्सिडरी को डिविडेंड बांटना है भाई अब सेकेंड केस 20% परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड आउट ऑफ ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस क्या होगा प्री अकाउंटिंग पेंडिंग है तो आप क्या करेंगे ओपनिंग 2000 पूरा बांट दिया 20 परसेंट से तो कितना बचेगा ओपनिंग नील कैश कितने से कम हो जाएगी दो से तो ये कितना बचेगा आठ होल्डिंग के पास कैश कितने से आएगी 80 परसेंट सोलह सौ एम आई की कैश तो एम आई ले जाएगा बस होल्डिंग के पास जो सोलह सो आएगा उसे क्या होल्डिंग पी एंड में ऐड करेगा क्या नहीं क्योंकि ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में हमारा शेयर है इसलिए ये इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा तो इन्वेस्टमेंट में से दस हज़ार में से सोलह माइनस होगा तो ये हो जाएगा आठ हज़ार चार सौ अब आप इफेक्टिवली देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अब कितना आ जाएगा आपका आठ हजार चार सौ चल यहीं साइड में लिख देता हूं ताकि कंपैरिजन भी हो सकेगा है ना छोटू कर दिया इसको रंग नीला इसको क्या कर दूं आठ हजार चार सौ ठीक है शेयर कैपिटल में हमारी हिस्सेदारी वही आठ की आठ प्री लेकिन, लेकिन, लेकिन. एक्विजिशन रिज़र्व्स देखो 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 कितने बचे 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 जीरो 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 सर ये इंडिया टीवी जैसे क्यों कर रहे हो तीन तीन बार एक ही चीज को चलिए तो ये गुडविल कितना आ जाएगा चार सौ सर ये तो सेम आ रहा है वही तो मैं बोल रहा था चेंज नहीं होता गुडविल तो सोर आपने तो बोला था कंसोलिडेटेड रिजॉर्व स प्लस भी चेंज नहीं होगा नहीं होगा आओ वो भी देखते चलिए अब यहां पे ब्ल्यू में लिखेंगे होल्डिंग का बैलेंस कितना है सोलह छह सौ नहीं होगा पंद्रह ही रहेगा क्यों क्योंकि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर जो हमारा होता है उसे हम हमारी बुक्स में इनकम मानने की बजाय इन्वेस्टमेंट से कम करते हैं तो ये पंद्रह होगा ब्लू कलर एस लिमिटेड के पोस्ट एक्विजिशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितने हैं सर वो तो पूरे तीन है क्योंकि इससे डिविडेंड बटा ही नहीं तो तीन हजार में आपका स्टेक अस्सी परसेंट से कितना आ जाएगा ऊपर लिख देता हूँ तीन हज़ार का अस्सी परसेंट हो जाएगा सर दो हजार चार सौ टोटल क्या आ जाएगा चौबीस सौ और पंद्रह हजार का सत्रह चार सौ सेम कोई फ़र्क एम आई भी सेम आएगा अगर डिविडेंड नहीं बटता तो एम आई बढ़ा हुआ आता पर डिविडेंड प्री से बटे या पोस्ट से एम तो कम होगा ही होगा शेयर कैपिटल में एम का हिस्सा वही होगा दो का दो हजार अच्छा रिजर्व प्लस क्योंकि एम को प्री पोस्ट से मतलब नहीं है तो टोटल रिजर्व तो कितने नील प्लस तीन कितने तीन भले ही वो पूरे तीन पोस्ट है तो ये छह सौ का छह सौ ही रहेगा ये छब्बीस सौ का छब्बीस सौ ही रहेगा यानी बैलेंस शीट के एक भी फिगर में चेंज नहीं आएगा एंड इसी तरह से डिविडेंड पेबल होता तो इसका भी यही एडजस्टमेंट होता इस तरह से दोस्तों दो बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट अपन ने आज इस रिविजन लेक्चर में कवर किए हैं कौन कौन से द फर्स्ट थिंग विच वी हैव डिस्कस इज प्रॉफिट लॉसेस नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड सेकेंड इज डिविडेंड प्रपोस्ड एज वेल एज डिक्लेर ठीक है तो ये दो एडजस्टमेंट जो चार चार्ज हमने कवर किए हैं जिसके थ्रू हमने बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को यहाँ पर क्या किया है कंप्लीटली रिवाइज कर लिया Now what I'll do is we'll complete this particular revision lecture here itself, and obviously I will seek your comments on this particular revision lecture. And as uh, you have suggested your uh, <coughs> feedback uh, on my WhatsApp as well as on the YouTube, I will appreciate if you also put same set of uh, you know similar kind of realistic feedback. Actually, putting in you know whatever things you liked. So if you appreciated something, do put that. That's inspiring. अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आप और चाहते हैं आप मेंशन करिए सो दैट वी कैन अकॉर्डिंगली क्रिएट एड अकॉर्डिंगली फॉर यू एंड अगर आपको लगता है कि इसके अलावा यू नीड रिविजनरी फॉर एनी अदर पर्टिकुलर टॉपिक्स एफ आर ऑल्सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच यू कैन पुट इन सो पुट योर कमेंट्स एंड आई होप कि जो लोग अभी एग्जाम्स मे 2017 में देने वाले हैं यूजुअली 25 छब्बीस अप्रैल से सभी लोग एफआर पढ़ते हैं तो उस तरह से मैंने इन रिविजन लेक्चर्स का टाइमिंग इस तरह से प्लान किया है कि आपको 25 से 30 के बीच में अच्छा समय मिल जाए जब भी टाइम हो आप इन रिविजन लेक्चर्स को देख सकते हो तो आप अपने कमेंट्स फटाफट दे दीजिए कि आपको और क्या चाहिए उसके बेसिस पे वील इन मोर थिंग्स फॉर यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन वंस अगेन आई एम पुटिंग इन माई नंबर नाइन एट टू सिक्स जीरो टू थ्री फाइव थ्री फोर फॉर व्हाट्सएप ओनली पुट योर फीडबैक प्लस वॉट एवर थिंग्स यू नीड मोर दिल मांगे मोर दिल खोल के बोल ठीक है और ये जो ब्रह्मास्त्र है अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है ऑब्वियसली अभी मैंने सिर्फ दो केसेस यहां पर कवर कराए हैं और आई होप कि आपने कंसोलिडेशन किया होगा तो यू हैव एन आइडिया अबाउट ऑल दीज केसेस यू वांट अ कॉपी ऑफ दिस ब्रह्मास्त्र विच है क्वेश्चंस जिससे आप क्विकली चीजों को एक एक करके सॉल्व करके वहीं पर आंसर लिख लिख के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं Whether you have exams now or later, then you can put in your uh, message on this particular email ID. Or you WhatsApp me your email We will forward these particular Brahma's to you. Hope you loved the lecture and uh, thank you very much for uh, watching this across. And uh, thank you for all your blessings and all your congratulations. And uh, see you soon once again. Thank you.